हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म के रिकॉर्डिंग बात की जाएगी, उस फिल्म का नाम है महाराजा। तो दोस्तों, इस वर्ड को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यानी इस फिल्म की वर्ड को, तो ग्रेट किंग होता है। तो दोस्तों, ये एक तमिल लैंग्वेज की, मल्टीपल लैंग्वेज की फिल्म है। इसके अलावा इस फिल्म को आप तमिल वर्जन, कन्नड़ा वर्जन, मलयालम वर्जन, तेलुगु वर्जन एंड हिंदी वर्जन में आप ऑफिशियली किस तरह देखोगे, उसके बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों, इस फिल्म को कौन से OTT पर, कौन से सैटेलाइट पर ऑफिशियली फ्री में देख पाओगे, उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की बात की जाएगी और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की भी बात की जाएगी, साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी। इसके अलावा फिल्म का प्लॉट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और फिल्म का डीप रिव्यू एंड फैक्ट्स की भी बात की जाएगी। फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर की जितने भी बातें हैं वो सभी की जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या रखा गया, उसकी भी बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों, फिल्म की जो डिफरेंट इंटरेस्टिंग की बातें हैं वो सभी की जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो दोस्तों, महाराजा साल 2024 की ईयर में, यानी इसी साल रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है। तो दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किए नितिलन स्वामीनंदन सर ने। सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी उनका ही रहा, स्टोरी आइडिया भी इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है। डायलॉग्स की बात की जाए तो नितिलन स्वामीनंदन सर के अलावा, जैसे कि उनके लिए डायलॉग्स में मदद किए हुए राम मुरलेश्वर ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में, जो कि स्क्रीन प्ले में उनका ही, हम सभी को स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है, स्क्रीन प्ले भी उनका ही रहा। और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सुंदरम सर की अलावा, जैसे कि जगदीश पलन स्वामी सर की इस फिल्म में हम सभी को प्रोड्यूसर का काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि इस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए। अब स्टार्टिंग लीड कास्ट की फिल्म की बात की जाए तो विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप, ममता मंदास इस फिल्म में हम सबको स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है। दोस्तों, फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिनेश पुरुषोत्तम का इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलता है, यानी इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक का जो काम है उन्होंने संभाले हुए थे, पूरी उन्होंने सिनेमेटोग्राफिक करके दिए हुए, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया, जो कि एक एडिशन बोल सकते हैं, एक एक्सलेंट जो कि सिनेमेटोग्राफिकर है, वहीं पर फिल्म जो कि फिलोनियम राज का इस फिल्म में एडिटिंग का जो काम है उन्होंने करके दिए हुए, जो कि काफ़ी एडिटर, बहुत ही बड़े एडिटर हैं। इसके अलावा जहां पर उन्होंने 141 मिनट का रन टाइम दिए थे इस फिल्म में, यानी कि 2 घंटा 21 मिनट की पूरी फिल्म है। अगर हम बात करें तो काफ़ी रन टाइम फिल्म के लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म देखते हो तो उस हिसाब से रन टाइम ज़्यादा नहीं है, जो कि बेहतरीन है। अदरवाइज़ थोड़े बहुत आपको बोरिंग जो सीन्स है, जो टाइम है, वो आपको छाट वट कर दिए हुए, तो काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग डाला गया। तो इसी के साथ दोस्तों, रन टाइम जो कि डेफिनेटली इतनी रन टाइम के साथ आप 2 घंटा 21 मिनट में जो कि इस फिल्म को देख पाओगे, यानी आप और हम इसी के साथ, हम रन टाइम के साथ फिल्म को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बी अजनेश लोकंत सर की इस फिल्म में जो कि उनका म्यूजिक और साउंड ट्रैक एल्बम इस फिल्म में जो कि हम सभी को सुनने को मिलेगी, जहाँ पर कंपोजिंग उनका ही रहा, अदरवाइज बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म में उनका ही सुनने को मिलती है, सॉन्ग सुनने की मिलती है। यार दोस्तों, अगर हम सभी साथी म्यूजिकल डिपार्टमेंट या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए, किस तरह से कैसा रखा गया है, और आप सुन चुके हैं तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं सुन चुके हैं तो सुनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेलिंग के साथ आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्या, कौन से टाइटल के साथ रखा गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहां पर अजनेश लोकंत सर जो कि 2024 की ईयर में जो युवा फिल्म में आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग रहा, काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज़ 2024 में फिर एक जो वामना जो फिल्म आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग लिया गया था, तो काफ़ी जो कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े सिंगर जो कि सिंगर्स के जो मतलब संभाले हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया है, तो उनका ही सुनने को मिलती है। अब दोस्तों, सिंगल्स की बात की जाए तो वैसे तो मैं आपको बता दूं किस तरह से क्या रिलीज़ की गई थी, तो कोलेब्रेशन उनका साथ ही हुआ था। अब फर्स्ट सिंगल की टाइटल की बात की जाए तो उसके साथ सेतुपति सर की सेकंड कोलेब्रेशन हुई थी, जहां पर समिनंत आफ्टर कुरंगु बम्बई जो फिल्म आई थी उसके बाद फोर्थ फिल्म जो उसके उनके साथ जो हुआ था कोलेब्रेशन
जो कि कोरंगा बोम्मई फिल्म 2017 में आई थी, फिर रिची एंड नम जो कि नमीर 2018 में उस फिल्म में भी उनका रहा। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी फिल्म में इनके साथ कोलैबोरेशन हुई है। अब फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किए तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है उस सॉन्ग को सिद्ध सिरिम एंड सर ने मतलब राइट दिए हुए थे, और यानी वायरमंतु सर ने भी उसको गाए हुए, जहाँ पर 7 जून 2024 की ईयर में रिलीज़ की गई थी। इसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल की बात किए तो राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की बात की जाए तो 15 जून 2024 के साल में रिलीज़ की गई थी, यानी इसी साल आफ्टर द फिल्म्स की रिलीजिंग सॉन्ग्स इसी तरह रिलीज़ की गई थी। उसी में आपको बता दूँ दोस्तों, ये सभी जो तमिल सॉन्ग का मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तमिल सॉन्ग में ऐसे भी सॉन्ग सुनने को मिलती है, अदरवाइज अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, जंगली म्यूजिक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो इस तरह से जाके पूरे सॉन्ग्स को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं टाइटल लेंथ के साथ बात करूं तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है, पहला सॉन्ग का टाइटल, उसको वायरमंतु सिद्ध सिरिम जो कि सिरिमम सर ने लिरिक्स दिए थे, यानी सिंगिंग किए थे सिरिमम सिद्ध सर ने। और लेंथ की बात की जाए तो 3 मिनट 8 सेकंड की लेंथ के साथ सॉन्ग को सुनने को मिलती है। वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको वायरमंतु सर ने लिरिक्स दिए थे। अब सिंगर की बात किया तो जितिन राज हर्षिका देवनाथ जो कि सिंगर ने गाए हुए, तो काफ़ी तीन सिंगर मिलकर तो समझ सकते कितने बड़े बड़े सिंगर को लिया गया था इस सॉन्ग को, जहाँ पर 4 मिनट 5 सेकंड के लेंथ के साथ आप इस सॉन्ग को भी एंजॉय कर पाओगे। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 7 मिनट 13 सेकंड के साथ आप पूरी सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हो। इस तरह से अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, मतलब कौन से कंपनी के अंडर कौन से कंपनी के अंदर ही बनाई गई थी इस फिल्म को, तो द रोड थिंग्स स्टूडियोज पैसन स्टूडियोज के अंडर इस फिल्म को बनाई गई, जो कि बैनर के नीचे इस फिल्म को काफ़ी अच्छी खासी जो कि प्रोडक्शन कंपनी है। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो NVR सिनेमास के उनकी ओर से कंप्लीट करवाई गई डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की जाए, मतलब कौन से एक्टर एक्ट्रेस आर्टिस्ट किस रोल के साथ फिल्म में नज़र आने वाला, उसी के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ किस नाम के साथ फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों विजय सेतुपति एज ए महाराजा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, यह बारवेर एंड ज्योतिष के अडेप्टर फादर रहते इस फिल्म में, उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप एज ए सेल्वम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर ज्योतिष के बायोलॉजिक फादर रहते इस फिल्म में, उसी रोल में आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं। ममता मोहनदास एज ए आसिफा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। नटराजन सुब्रमण्यम एज ए इंस्पेक्टर एस वर्धराजन का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभिरामी एज ए कोकिला श्री लक्ष्मी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। दिव्या भारती एज ए महाराज की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सिंगम पुली एज ए नल शिवम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अरुल दास एज ए SIRK पेरुमल स्वामी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुनिस्कांत एज ए कॉन्स्टेबल कुचिकंदई वेलु का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सचना नमिदास एज ए ज्योति का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर बेबी सिनिका एज ए बेबी ज्योति करके भी फिल्म में प्ले करते हुए उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। और विनोद सागर एज ए सबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर सेल्वम्स के असिस्टेंट रहते हैं, इसी के साथ आपको रोल में फिल्म में नजर आएंगे। मनिका नंदन एज ए धाना का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। कलयन एज ए काउंसलर करुणकरण आपको उस रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। कल्की एज ए पोलिस या थीफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। PL तेनप्पन एज ए सलून ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सरवाना सुबिया एज ए इंस्पेक्टर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। वेट्रीवेल राजा एज ए कॉन्स्टेबल धनपाल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। भारतीय राजा एज ए गोपाल तट्टा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मोहन रमन एज ए डॉक्टर अंकल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पोवैयार एज ए सलून स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। लिजिया एंटोनी एज ए विक्टिमिंग ऑफ रोबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पोस्टर नंद कुमार एज ए स्कूल कोरेस्पेंडेंट का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। श्री राजा रवि एज ए आसिफास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पिचकरण मूर्ति एज ए साइबर क्राइम स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। संगीता वी एज ए वर्धराजसन के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सुपर गुड सुब्रमणी एज ए टॉय शॉप ऑनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुल्लई आरसी एज ए
थीफ्स की वाइफ करोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते। ओवरऑल इसी के साथ जितने भी मैंने आर्टिस्ट यानी कास्टिंग जिस रोल के साथ आपको मैंने बताई है, इसी के साथ आपको फिल्में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों महाराजा फिल्म को वाजे थिएट्रिकली रिलीजिंग की बात की है तो 14 जून 2024 के यानी इसी साल थिएटर्स पर रिलीज की गई थी, जहां पर आफ्टर फ्रॉम इट इज ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज इट इज आल्सो डब्ड एंड रिलीजिंग की इन तेलुगु में भी की गई थी। प्रेसेस स्क्रीन पर वाजे हेल्ड टू डेज पे प्रोवेवर टू दी रिलीजिंग 12 जून पर भी हुई थी। इट इज़ वाज इनिशियली प्लान की गई थी मेकर्स ने रिलीज इन ये मई के मंथ में 2024 की एयर में, बट वाज लेटर वन ये सभी शिफ्ट की गई थी जून के मंथ में, जहां पर डू यू के अनसिपेक्टेड के रीजन के चलते द फिल्म्स की वाज प्रीमियम की गई थी लॉस एंगल्स की 28 जून पर, जहाँ पर 2024 की एयर पर एज एस्टी से वॉज सेलेक्ट की गई थी एज वन ऑफ द क्लोजिंग नाइट सिलेक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर, जहाँ पर लॉस एंगल्स पर। तो इसी के साथ फिल्म को जो कि रिलीज की गई थी, साथ ही दोस्तों आप सभी जो फिल्म को देख पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों जब महाराजा फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो मतलब पॉजिटिव भी रिव्यूज़ मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है फिल्म को रिव्यूज़ मिली है। तो दोस्तों फिल्म को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसी के साथ रोटेन टोमेटोज की तरफ से 54% इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया, जो कि काफ़ी एवरेज है, बढ़िया है। गूगल रिव्यूज़ की बात की जाए तो 80% इस फिल्म को लाइक्स मिली हुई है ऑडियंस के हद से, इस हिसाब से फिल्म को पसंद की गई थी। अब साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट है बहुत ही कम बजट पर, लो बजट पर फिल्म को बनाई गई, जहाँ पर 20 करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई, जो कि डायरेक्टर ने ज़्यादा उम्मीद ने लगाए हुए थे, मतलब जिस हिसाब से एक्टर था आर्टिस्ट था उसी हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगा के लगाई हुई है। अब वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 107 करोड़ रुपए में कमाई की, जो 107 करोड़ रुपए में कमाई की हुई है। सिर्फ सिनेमाथेटिकली बात की जाए या फिर जिस हिसाब से नेट कलेक्शन की बात की जाए उसी हिसाब से फिल्म ने कमा करके दी है। तो दोस्तों इट इज़ हार्ड दी हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड एंड इमरजेस एज दी सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथिंग तमिल ऑफ 2024 की, जो कि फिल्म बन चुकी है, एक विजय सेतुपति की एक सुपरहिट फिल्म बनने में कामयाब रही, इसी हिसाब से फिल्म को नाम मिली हुई है। तो अब समझ सकते हैं फिल्म तो अभी चल ही रही है, फिलहाल देखते हैं आगे जाके क्या कर पाती है, क्योंकि बहुत ही बड़े एक्टर को लिया गया, जो कि समझ सकते हैं साउथ इंडस्ट्री के एक्टर विजय सेतुपति और साथ ही कश्यप अनुराग, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो कुछ ना कुछ टक्कर देने में कामयाब रहेगी फिल्म। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ तक जो कि पहुँच पाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें, फिल्म के बारे में मैं अगर आपको थोड़े बहुत बात करूँ या फिर बताऊँ एक्टर एंड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जैसे कि विजय सेतुपति एक्टर आप समझ सकते कितने बड़े एक्टर हैं, तो उनका इस फिल्म में लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने एक्टर जो इसमें एक्टिंग किए काफ़ी जो कि एकदम से एकदम लाजवाब किए हैं, जहां पर आपको पसंद आएगी उनकी एक्टिंग इस फिल्म में। जो वो एक सिंपल सा जो सलून मतलब चलाते उसमें उन्होंने जो एक पिता का जो रोल निभाया काफ़ी लाजवाब है, जो उनका पिता का जो जिस हिसाब से जो हद तक करना चाहिए, अगर उनके डॉटर को कोई नुकसान पहुंचाते तो वो किस हद तक जाना चाहिए, वो सभी इसमें काफ़ी एकदम से एकदम करके दिए हुए, जहां पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज डायलॉग फाइटिंग सीन्स जिस हिसाब से किए हैं तो काफ़ी मुझे तो गुजबम के साथ पसंद आई। अदरवाइज इस फिल्म में वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, जहाँ पर थोड़ा सा आउट से लेकर नेक्स्ट लेवल तक करके दिखाए उनका, इसमें जो बात करने का डायलॉग जिस हिसाब से वो जो पूरा पावरफुल इग्नोर जो एंग्री मैन के साथ जिस हिसाब से डायलॉग्स मारते हैं, जहाँ पर वो मतलब एक चाकू लेके जिस हिसाब से कान में या फिर गर्दन में काट देते हैं, तो वो सीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डरावना लगेगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मुझे कहीं ना कहीं वो से भी थोड़े बहुत पसंद आई। अदरवाइज और भी जैसे एक्टर की बात की, अनुराग कश्यप इस फिल्म में पूरे फिल्म में वो छा गए, वो पूरी फिल्म में उनका ज़्यादा नाम चल रहा है, उन्होंने बॉलीवुड समझ सकते हैं बॉलीवुड के है डायरेक्टर भी है और एक्टर इस फिल्म में करके दिए, तो वो बोलना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जो सेल्वम का जो रोल फिल्म में निभाया है काफ़ी मुझे कहीं ना कहीं हद तक पसंद आई उनकी एक्टिंग, कहीं ना कहीं आपको सिंपल मैन के साथ नज़र आएगी, बट वो जिस हिसाब से हर एक के साथ किस मतलब टाका बैठते किस हिसाब से वो टक्कर लेते वो सभी
इसमें वो विजय सेतुपति का जो रोल निभाया महाराजा का, उनके साथ जिससे वो टक्कर देने में कामयाब रहते हैं, तो उनका एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आएगी आपको कहीं ना कहीं। वो चलने का स्टाइल, डायलॉग स्टाइल, इसके साथ थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अलग लेवल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फिल्म की फर्स्ट हाफ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट उसके बाद 15-20 मिनट के साथ आपको फिल्म कहीं ना कहीं एंगेजिंग रखेगी, वहीं पर बोरिंग थोड़े बहुत लग सकती है। बट सेकेंड हाफ के बाद इंटरवल में जो विजय सेतुपति असली रूप में आते हैं, जहाँ पर वो उनकी डॉटर के साथ वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, बट उनका लाइफ में कोई टॉर्चर कर देता है, उसके बाद वो असली मुद्दा पे आते हैं, फिर वो असली चेहरा उनके देखने के बाद आपको वो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगी किस हद तक वो करके किस लेवल तक गुजर जाते हैं, किस लेवल तक हद तक चले जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो हर एक विलन को मारने के लिए चुन चुन के मारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाफ में देखने में एंगेजिंग बना के रखेगी, कहीं ना कहीं वो सभी चीज़। अगर आप एक्शन थ्रिलर सस्पेंस के साथ फिल्म देखते हो तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत डिले लगेगी, सेकेंड हाफ के बाद टाइट पूरी फिल्म बांधे रखती है। उसके बाद फिल्म की बीजीएम थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर करनी पड़ेगी, उतनी खास नहीं है, फिल्म के हिसाब से ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर भी अव्वल लेवल तक देखने को मिलती है। सिनेमेटोग्राफिक जो शूटिंग के लेवल में जिस हिसाब से होना चाहिए था वो थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा कर सकते थे। एक्शन सीक्वेंस तो आपको पूछने नहीं पड़ेगी, जब तक असली रूप में जब आते हैं विजय सेतुपति, वही ना वही आपको उनकी एक्शन सीक्वेंस पसंद आएगी। ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की डायरेक्शनल, जो उन्होंने एक सलून के ऊपर जिस तरह से वो एक डॉटर के साथ एक वाइफ के साथ लाइफ किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जीते हैं, वो लाइफ बताई गई है। उसके बाद उनके लाइफ में कोई टॉर्चर कर देते हैं, मतलब उनका लाइफ अच्छा खासा सिंपल लाइफ जीते हुए उनकी लाइफ में कोई घुस के उनकी लाइफ बिगाड़ देते हैं, पूरी परिवार बिगाड़ देते हैं, फिर वो उनकी परिवार जोड़ने में लगे रहते। तो उस भी डायरेक्टर का जो काम है अव्वल लेवल है, मुझे कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा करके दिए हुए, तो उनका काम मुझे कहीं ना कहीं पसंद आई। और स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आते, टाइट नहीं है उतना। फोटोग्राफी और थोड़ा बहुत चीज़ें जो शूटिंग लेवल में जहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं उनका काम मेहनत रह सकता था, प्लॉट ठीक था, स्क्रीन उतना खास नहीं है, वो सभी ढीले नज़र आती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत टाइम लेती है। तो ये सभी चीज़ में अगर आप इग्नोर करोगे, अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म विजय सेतुपति की देखना चाहते हो, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो और उनकी फिल्म देखते हो सभी के सभी ओवरऑल, तो ये फिल्म भी आप ज़रूर वॉच करोगे मेरे ख्याल से, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो तो मुझे पता है, अदरवाइज नहीं है तो आप वन टाइम इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि OTT के नेटफ्लिक्स पर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन के साथ तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि तेलुगु डब्ड वर्जन, कन्नाडा डब्ड वर्जन, मलयालम डब्ड वर्जन एंड हिंदी डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को देख पाओगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, विदाउट सब्सक्रिप्शन आप फिल्म को देख नहीं पाएंगे, मतलब कि आपको फिल्म देखने के लिए रेंट पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म को फ्री में वॉच नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस तरह से फिल्म को देखना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों तमिल लैंग्वेज की सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो स्टार विजय सैटेलाइट राइट्स टीवी टेलीविजन के ऊपर प्रीमियम मुतवर नजर आएगा, जहां पर महाराजा नाम के साथ आप इस फिल्म को देख पाओगे। इस तरह से सैटेलाइट एड्रेस में आप देख सकते हो, तमिल वर्जन की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन की दबाना मत भूलिए, नहीं तो फिल्म से जुड़ी साउथ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, जो भी जिस तरह से फिल्म से आपको एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, रिव्यू, जो भी जानकारी है आपको मिलने पाएगी, अगर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आपको मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, किस तरह से क्या रखा गया, किस तरह से क्या हुआ था, जो भी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आफ्टर दी सक्सेस फिल्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुरंगु बम्बई 2017 में जो फिल्म आई थी उसकी सक्सेस के बाद नितिलन स्वामीनाथन सर जो कि डायरेक्टर साइन किए थे, जो सुधान सुंदरमंस के पैशन स्टूडियोज पे उसके अंदर ही फिल्म बनाई जाएगी, जहां पर डायरेक्ट जो दे नेक्स्ट डायरेक्शनल अंडर जो विच प्रोडक्शन पे हॉविंग द प्रोजेक्ट वाज ए डेवलपमेंट हिल फॉर सेल्वरर यूवर जो डू अननोन्स रीजन के चलते, जहां पर नितिलन देन नरेटेड द स्क्रिप्ट टू जी धनजान हु सजेस्टेड किए थे टू द डायरेक्टर दैट ही सोल्ड narrated it to Vijay Antony which
ही इड एंड इम्प्रेस हुए थे, जहां पर द एक्टर नितिलन ओवर एंड टू रिसीव ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम सुंदरस की प्रोडक्शन के चलते हाउस पर, जहां पर द फिल्म द कंपनी वॉज हावर नॉट इन द फेवर ऑफ पासिंग द प्रोजेक्ट टू अनदर हाउस दियर फॉर दी फोर नॉट गिविंग द NOC सोन आफ्टर द कंपनी देन stated that the we hold narrated the script to Vijay Sethupathi and if a tennis beginning part of the film the we hold pass the project. Sethupathi who was impressed हुए थे, जहाँ पर स्क्रिप्ट उनको जो सुनाई थी उसके बाद वो एग्री हुए थे बी पार्ट ऑफ द फिल्म की, लीडिंग टू हिम रिप्लेस उनकी जगह पे किए थे, जहाँ पर एंटोनी सुंदरस की जगह उनको लिया गया था. कंपनी मेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी, जहाँ पर 1 फरवरी के मंथ पे, जहाँ पर 2023 के ईयर में, जहाँ पर कन्फर्म हुई थी द प्रोजेक्ट विल्ड जो कि सिग्निफाई एज सेतुपति को जो 15th फिल्म्स आल्सो हुई कि जहाँ पर लीड एक्टर 2020 टाइटल जो कि VJS 15 प्रिंसिपल फोटोग्राफी वेगन शॉर्टली आफ्टर यह मुहूर्त पूजा फिल्म के लिए रखा गया था. हेल्ड सेम डे पर ही आर्ट ये द फिल्म की स्टूडियो इन द चेन्नई विथ प्रेजेंस ऑफ द फिल्म्स की कास्ट ऑफ एंड क्रू जगदीश पलनस्वामी दी रूट इन थिंक स्टूडियोज लेटर वन ज्वाइन किए थे एज ए को प्रोड्यूसर इन अर्ली अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर सुंदरम स्टार्ट की गई थी द 50 of 85 फिल्मिंग डेज पर जो कि वेयर कंप्लीट हुई थी एंड ओनली देन डेज की बात के रिमाइंडिंग करके फॉर सेतुपति ऑन 12th के डेट पर, जहाँ पर जुलाई के मंथ में एडिक्शन टू द प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैपिंग करके द फिल्म की ऑफिशियल टाइटल महाराजा रखा गया था वाज अनाउंसमेंट की गई थी बाय द प्रोडक्शन हाउस पर. इसी तरह बात हुई थी अनुराग कश्यप ममता मोहनदास एंड नटराजन सुब्रमण्यम वाज अनाउंसमेंट की गई थी प्ले के जो इसी द लीड रोल पे नजर आएंगे अलोंग साइड सेतुपति दिव्या भारतीय अभिरमणि अरुल दास मुनिस्कंत मणिकनंदन सिंगम पुली भारती राजा विनोद सागर एंड PL तेनपल विल अपीयर में इन द सपोर्टिंग रोल्स पे. डबिंग वर्क्स वेयर कंप्लीट की गई थी जहां पर 31 के डेट पे दिसंबर के मध्य में 2023 के ईयर में. तो इसी तरह प्रोडक्शन की जितने भी बातें हैं, जो भी जितने भी जानकारी है बताई जा रही है. तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की जो भी बात ही है, जैसे बात जानकारी है, जो भी जितने भी जानकारी या फिर बात की जाए, तो उससे भी मतलब यहाँ पर मेकर्स ने अनहाइड करके रखे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च की हुई तो उस भी जानकारी मिल नहीं पाई है. अदरवाइज आगे देखते आने वाले समय पर उसकी भी कुछ होती है तो आपको जानकारी देने मतलब कोशिश करूँगा कि मिल पाए आपको. जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह जो भी बातें हुई है. अब दोस्तों आखिर में फिल्म का प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो, कहानी कह लो, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा किस तरह से क्या रखा गया, कौन सी प्लॉट के साथ. तो दोस्तों महाराजा एक शांत व्यक्ति है जो चेन्नई में जो कि रामा की सलून में नाई का रूप में काम करता है. एक दिन एक ट्रक उसके घर से टकरा गया जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई. उसकी पति ज्योति तब बच जाती है जब एक पौधे कण गलती से गिर जाता है और उसे जो कि ढाक देता है. महाराजा और ज्योति श्रीनिवास पौधे कण का नाम लक्ष्मी रखती हैं. तो कहानी में दोस्तों आगे यही बताई गई, एक सिंपल सा लाइफ जो एक सीधा साधा इंसान महाराजा लाइफ में जो कि वो फिल्म में दिखाया गया जीता है, मतलब विजय सेतुपति महाराजा का रोल निभाते, तो वो एक सिंपल सा सलून का मतलब लाइफ अच्छी खासी गुजारते हैं. बट एक दिन अचानक एक ट्रक उनकी घर पे जो कि टकरा जाता है, उसके बाद पूरी लाइफ उनकी बदल जाती है एकदम से. वही फिल्म के बाद उसके बाद असली जो ट्विस्ट टर्न है किस तरह से क्या आती है, वही फिल्म की कहानी पूरी बनाती है. तो आखिर तक वही आपको पता चलने वाली है किस तरह से क्या वो फिर महाराजा हरेक के साथ लड़ता है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वही फिल्म की देखने में आपको पता चलेगी. तो दोस्तों महाराजा साल 2024 के ईयर में यानी इसी साल रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर
सस्पेंस फिल्म है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए नितिलन स्वामीनाथन सर ने। सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी उनका ही रहा, स्टोरी आइडिया भी इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है। डायलॉग्स की बात की जाए तो नितिलन स्वामीनाथन सर के अलावा जैसे कि उनके लिए डायलॉग्स में मदद किए हुए राम मुरलेश्वर ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में जो कि स्क्रीन प्ले में उनका ही हम सभी को स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है, स्क्रीन प्ले भी उनका ही रहा। और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सुंदरम सर की अलावा जैसे कि जगदीश पलन स्वामी सर की इस फिल्म में हम सभी को प्रोड्यूसर का काम करते हुए नजर आते हैं जो कि इस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए। अब स्टार्टिंग लीड कास्ट की फिल्म की बात की जाए तो विजय सेतुपति अनुराग कश्यप ममता मंदास इस फिल्म में हम सभी को स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है। दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिनेश पुरुषोत्तम का इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलता है, यानी इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक का जो काम है उन्होंने संभाले हुए थे, पूरी उन्होंने सिनेमेटोग्राफिक करके दिए हुए, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो कि एक एडिशन बोल सकते हैं, एक एक्सलेंट जो कि सिनेमेटोग्राफिकर है। वहीं पर फिल्म जो कि फिलोनियम राज का इस फिल्म में एडिटिंग का जो काम है उन्होंने करके दिए हुए, जो कि काफ़ी एडिटर बहुत ही बड़े एडिटर हैं। इसके अलावा जहां पर उन्होंने 141 मिनट का रन टाइम दिए थे इस फिल्म में, यानी कि 2 घंटा 21 मिनट की पूरी फिल्म है। अगर हम बात करें तो काफ़ी रन टाइम फिल्म के लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म देखते हो तो उस हिसाब से रन टाइम ज़्यादा नहीं है, जो कि बेहतरीन है। अदरवाइज थोड़े बहुत आपको बोरिंग जो सीन्स है, जो टाइम है वो आपको छाट वट कर दिए हुए, तो काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग डाला गया। तो इसी के साथ दोस्तों रन टाइम जो कि डेफिनेटली इतने रन टाइम के साथ आप 2 घंटा 21 मिनट में जो कि इस फिल्म को देख पाओगे, यानी आप और हम इसी के साथ हम रन टाइम के साथ फिल्म को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बी अजनेस लोकंत सर की इस फिल्म में जो कि उनका म्यूजिक और साउंड ट्रैक एल्बम इस फिल्म में जो कि हम सभी को सुनने को मिलेगी, जहाँ पर कंपोजिंग उनका ही रहा, अदरवाइज बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म में उनका ही सुनने को मिलती है, सॉन्ग सुनने की मिलती है। यार दोस्तों अगर हम सभी साथी म्यूजिकल डिपार्टमेंट या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से कैसा रखा गया है और आप सुन चुके हैं तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज अगर आप नहीं सुन चुके हैं तो सुनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेलिंग के साथ आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्या कौन से टाइटल के साथ रखा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां पर अजनेश लोकंत सर जो कि 2024 की ईयर में जो युवा फिल्म में आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग रहा, काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज 2024 में फिर एक जो वामना जो फिल्म आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग लिया गया था, तो काफ़ी जो कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े सिंगर जो कि सिंगर्स के जो मतलब संभाले हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया है, तो उनका ही सुनने को मिलती है। अब दोस्तों सिंगल्स की बात की जाए तो वैसे तो मैं आपको बता दूं किस तरह से क्या रिलीज़ की गई थी, तो कोलेब्रेशन उनका ही साथ ही हुआ था। अब फर्स्ट सिंगल की टाइटल की बात की जाए तो उसके साथ सेतुपति सर की सेकेंड कोलेब्रेशन हुई थी, जहाँ पर समिनंत आफ्टर कुरंगू बम्बई जो फिल्म आई थी उसके बाद फोर्थ फिल्म जो उसके उनके साथ जो हुआ था कोलेब्रेशन जो कि कुरंगा बम्बई फिल्म 2017 में आई थी, फिर रिची एंड जो कि नमीर 2018 में उस फिल्म में भी उनका रहा, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी फिल्म में इनके साथ कोलेब्रेशन हुई है। अब फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात की तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है उस सॉन्ग को सिद्ध श्रीम एंड सर ने मतलब राइट दिए हुए थे, यानी वायरमंतु सर ने भी उसको गाए हुए, जहाँ पर 7 जून 2024 की ईयर में रिलीज़ की गई थी। इसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल की बात की तो राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की बात की जाए तो 15 जून 2024 के साल में रिलीज़ की गई थी, यानी इसी साल आफ्टर द फिल्म्स के रिलीजिंग सॉन्ग्स इसी तरह रिलीज़ की गई थी। वैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये सभी जो तमिल सॉन्ग का मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तमिल सॉन्ग में ऐसे भी सॉन्ग सुनने को मिलती है, अदरवाइज अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो जंगली म्यूजिक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो इस तरह से जाके पूरे सॉन्ग्स को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं टाइटल लेंथ के साथ बात करूं तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है, पहला सॉन्ग का टाइटल, उसको वायरमंतु सिद्ध श्रीम जो कि श्रीमम सर ने लिरिक्स दिए थे, यानी सिंगिंग किए थे श्रीमम सिद्ध सर ने। और लेंथ की बात की जाए तो 3 मिनट 8 सेकंड की लेंथ के साथ सॉन्ग को सुनने को मिलती है। वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको वायरमंतु सर ने लिरिक्स दिए थे। अब सिंगर की बात किया तो जितिन राज आर्शिक का
देवानंद जो कि सिंगर ने गाए हुए, तो काफ़ी तीन सिंगर मिलकर तो समझ सकते कितने बड़े बड़े सिंगर को लिया गया था इस सॉन्ग को, जहां पर 4 मिनट 5 सेकंड के लेंथ के साथ आप सॉन्ग को भी इंजॉय कर पाओगे। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 7 मिनट 13 सेकंड के साथ आप पूरी सॉन्ग्स को इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, मतलब कौन से कंपनी के अंडर, कौन से कंपनी के अंदर ही बनाई गई थी इस फिल्म को, तो द रोड थिंग्स स्टूडियोज पैशन स्टूडियोज के अंडर इस फिल्म को बनाई गई, जो कि बैनर के नीचे इस फिल्म को काफ़ी अच्छी खासी जो कि प्रोडक्शन कंपनी है। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो NVR सिनेमास के उनकी ओर से कंप्लीट करवाई गई डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की जाए, मतलब कौन सा एक्टर एक्ट्रेस आर्टिस्ट किस रोल के साथ फिल्म में नजर आने वाला, उसी के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ किस नाम के साथ फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों विजय सेतुपति एज ए महाराजा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। यह बारवेर एंड ज्योतिष के अडेप्टर फादर रहते इस फिल्म में, उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप एज ए सेल्वम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर ज्योतिष के बायोलॉजिक फादर रहते इस फिल्म में, उसी रोल में आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं। ममता मोहनदास एज ए आसिफा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। नटराजन सुब्रमण्यम एज ए इंस्पेक्टर एस वर्धराजन का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभिरामी एज ए कोकिला श्री लक्ष्मी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। दिव्या भारती एज ए महाराज की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सिंगम पुली एज ए नल शिवम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अरुल दास एज ए SIRK पेरुमल स्वामी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुनिस्कांत एज ए कॉन्स्टेबल कुचिकंदई वेलू का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सचना नमिदास एज ए ज्योति का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर बेबी सिनिका एज ए बेबी ज्योति करके भी फिल्म में प्ले करते हुए उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। और विनोद सागर एज ए सबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर सेल्वम्स के असिस्टेंट रहते हैं, इसी के साथ आपको रोल में फिल्म में नजर आएंगे। मनिका नंदन एज ए धाना का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। कलयन एज ए काउंसलर करुणकरण आपको उस रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। कल्कि एज ए पोलिस यतीफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। PL तेनप्पन एज ए सलून ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सर्वाना सुबिया एज ए इंस्पेक्टर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। वेट्रीवेल राजा एज ए कॉन्स्टेबल धनपाल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। भारतीय राजा एज ए गोपाल तट्टा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मोहन रामन एज ए डॉक्टर अंकल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पोवैयार एज ए सलून स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। लिजिया एंटोनी एज ए विक्टिमिंग ऑफ रोबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पोस्टर नंद कुमार एज ए स्कूल कॉरेस्पेंडेंट का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। श्री राजा रवि एज ए आसिफास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पिचकरण मूर्ति एज ए साइबर क्राइम स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। संगीता वी एज ए वर्धराजसन के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सुपर गुड सुब्रमणी एज दी ए टॉय शॉप ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुल्लई आरसी एज दी ए टीप्स की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल इसी के साथ जितने भी मैंने आर्टिस्ट यानी कास्टिंग जिस रोल के साथ आपको मैंने बताई है, इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों महाराजा फिल्म को वाज थिएट्रिकली रिलीजिंग की बात की है तो 14 जून 2024 के यानी इसी साल थिएटर्स पर रिलीज की गई थी, जहां पर आफ्टर फ्रॉम इट इज ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज इट इज आल्सो डब्ड एंड रिलीजिंग की इन तेलुगु में भी की गई थी। प्रेसेस स्क्रीन पर वाज ए हेल्ड 2 डेज पे प्रोवर टू द रिलीजिंग 12 जून पर भी हुई थी। इट इज वाज इनिशियली प्लान की गई थी मेकर्स ने रिलीज इन मई के मंथ में 2024 की एयर में, बट वाजे लेटर वन ये सभी शिफ्ट की गई थी जून के मंथ में, जहां पर डू यू के अनसिपेक्टेड के रीजन के चलते द फिल्म्स की वाजे प्रीमियम की गई थी लॉस एंगल्स की ऑन 28 जून पर, जहां पर 2024 की एयर पर एज ST से वाज सेलेक्ट की गई थी एज वन ऑफ द क्लोजिंग नाइट सिलेक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर, जहां पर लॉस एंगल्स पर। तो इसी के साथ फिल्म को जो कि रिलीज की गई थी, साथ ही दोस्तों आप सभी जो फिल्म को देख पा रहे थे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों जब महाराजा फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो मतलब पॉजिटिव भी रिव्यूज मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है।
फिल्म को रिव्यूज मिली है। तो दोस्तों फिल्म को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसी के साथ रोटेन टोमेटोज की तरफ से 54% इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया, जो कि काफ़ी एवरेज है, बढ़िया है। गूगल रिव्यूज की बात की जाए तो 80% इस फिल्म को लाइक्स मिली हुई है ऑडियंस के हद से, इस हिसाब से फिल्म को पसंद की गई थी। अब साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट है बहुत ही कम बजट पर, लो बजट पर फिल्म को बनाई गई, जहाँ पर 20 करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई, जो कि डायरेक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए थे। मतलब जिस हिसाब से एक्टर था, आर्टिस्ट था, उसी हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगा के लगाई हुई है। अब वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 107 करोड़ रुपए में कमाई की, जो 107 करोड़ रुपए में कमाई की हुई है। सिर्फ सिनेमा थिएटर के लिए बात की जाए या फिर जिस हिसाब से नेट कलेक्शन की बात की जाए, उसी हिसाब से फिल्म ने कमा करके दी है। तो दोस्तों इट इज़ हार्ड द हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड एंड इमरजेस एज द सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथिंग तमिल ऑफ 2024 की जो कि फिल्म बन चुकी है, एक विजय सेतुपति की एक सुपरहिट फिल्म बनने में कामयाब रही, इसी हिसाब से फिल्म को नाम मिली हुई है। तो अब समझ सकते हैं फिल्म तो अभी चल ही रही है, फिलहाल देखते हैं आगे जाके क्या कर पाती है, क्योंकि बहुत ही बड़े एक्टर को लिया गया, जो कि समझ सकते हैं साउथ इंडस्ट्री के एक्टर विजय सेतुपति और साथ ही कश्यप अनुराग, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो कुछ ना कुछ टक्कर देने में कामयाब रहेगी फिल्म। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ तक जो कि पहुँच पाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें, फिल्म के बारे में मैं अगर आपको थोड़े बहुत बात करूँ या फिर बताऊँ एक्टर एंड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जैसे कि विजय सेतुपति एक्टर, आप समझ सकते हैं कितने बड़े एक्टर हैं, तो उनका इस फिल्म में लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने एक्टर जो इसमें एक्टिंग किए काफ़ी जो कि एकदम से एकदम लाजवाब किए हैं, जहां पर आपको पसंद आएगी उनकी एक्टिंग इस फिल्म में। जो वो एक सिंपल सा जो सलून मतलब चलाते हैं, उसमें उन्होंने जो एक पिता का जो रोल निभाया काफ़ी लाजवाब है, जो उनका पिता का जो जिस हिसाब से जो हद तक करना चाहिए, अगर उनके डॉटर को कोई नुकसान पहुंचाते तो वो किस हद तक जाना चाहिए, वो सभी इसमें काफ़ी एकदम से एकदम करके दिए हुए, जहां पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग, फाइटिंग सीन्स जिस हिसाब से किए हैं, तो काफ़ी मुझे तो गुजबम के साथ पसंद आई। अदरवाइज इस फिल्म में वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, जहाँ पर थोड़ा सा आउट से लेकर नेक्स्ट लेवल तक करके दिखाए उनका। इसमें जो बात करने का डायलॉग, जिस हिसाब से वो जो पूरा पावरफुल इग्नोर जो एंग्री मैन के साथ जिस हिसाब से डायलॉग्स मारते हैं, जहाँ पर वो मतलब एक चाकू लेके जिस हिसाब से कान में या फिर गर्दन में काट देते हैं, तो वो सीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डरावना लगेगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मुझे कहीं ना कहीं वो से भी थोड़े बहुत पसंद आई। अदरवाइज और भी जैसे एक्टर की बात की, अनुराग कश्यप इस फिल्म में पूरे फिल्म में वो छा गए, वो पूरी फिल्म में उनका ज़्यादा नाम चल रहा है, उन्होंने बॉलीवुड समझ सकते हैं बॉलीवुड के है डायरेक्टर भी है और एक्टर इस फिल्म में करके दिए, तो वो बोलना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जो सेल्वम का जो रोल फिल्म में निभाया है, काफ़ी मुझे कहीं ना कहीं हद तक पसंद आई उनकी एक्टिंग। कहीं ना कहीं आपको सिंपल मैन के साथ नजर आएगी, बट वो जिस हिसाब से हर एक के साथ किस मतलब टाका बैठते, किस हिसाब से वो टक्कर लेते, वो से भी इसमें वो विजय सेतुपति का जो रोल निभाया महाराजा का, उनके साथ जिससे वो टक्कर देने में कामयाब रहते हैं, तो उनका एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आएगी आपको। कहीं ना कहीं वो चलने का स्टाइल, डायलॉग स्टाइल, इसके साथ थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अलग लेवल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फिल्म की फर्स्ट हाफ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट, उसके बाद 15-20 मिनट के साथ आपको फिल्म कहीं ना कहीं एंगेजिंग रखेगी, वहीं पर बोरिंग थोड़े बहुत लग सकती है। बट सेकेंड हाफ के बाद इंटरवल में जो विजय सेतुपति असली रूप में आते हैं, जहाँ पर वो उनकी डॉटर के साथ वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, बट उनका लाइफ में कोई टॉर्चर कर देता है, उसके बाद वो असली मुद्दा पे आते हैं, फिर वो असली चेहरा उनके देखने के बाद आपको वो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगी किस हद तक वो करके किस मतलब लेवल तक गुजर जाते हैं, किस लेवल तक हद तक चले जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो हर एक विलन को मारने के लिए चुन चुन के मारते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाफ में देखने में एंगेजिंग बना के रखेगी। कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ अगर आप एक्शन थ्रिलर सस्पेंस के साथ फिल्म देखते हो, तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मेरे ख्याल से। तो
फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत डिले लगेगी, सेकंड हाफ के बाद टाइट पूरी फिल्म बांधे रखती है। उसके बाद फिल्म की बीजीएम थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर करने पड़ेगी, उतनी खास नहीं है, फिल्म के हिसाब से ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर भी अव्वल लेवल तक देखने को मिलती है। सिनेमेटोग्राफिक जो शूटिंग के लेवल में जिस हिसाब से होना चाहिए था वो थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा कर सकते थे। एक्शन सीक्वेंस तो आपको पूछना नहीं पड़ेगी, जब तक असली रूप में जब आते हैं विजय सेतुपति वही ना वही आपको उनकी एक्शन सीक्वेंस पसंद आएगी। ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की डायरेक्शनल जो उन्होंने एक सलून के ऊपर जिस तरह से वो एक डॉटर के साथ एक वाइफ के साथ लाइफ किस तरह से जीना चाहिए किस तरह से जीते हैं वो लाइफ बताई गई है। उसके बाद उनके लाइफ में कोई टॉर्चर कर देते हैं, मतलब उनका लाइफ अच्छा खासा जी मतलब सिंपल लाइफ जीते हुए उनकी लाइफ में कोई मतलब घुस के उनकी लाइफ बिगाड़ देते हैं, पूरी परिवार बिगाड़ देते हैं, फिर वो उनकी परिवार जोड़ने में लगे रहते हैं। तो उस भी डायरेक्टर का जो काम है अव्वल लेवल है, मुझे कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा करके दिए हुए तो उनका काम मुझे कहीं ना कहीं पसंद आई। और स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आते, टाइट नहीं है उतना, फोटोग्राफी और थोड़ा बहुत चीज़ें जो शूटिंग लेवल में जहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं और मतलब कहीं ना कहीं उनका काम मेहनत रह सकता था। प्लॉट ठीक था, स्क्रीन उतना खास नहीं है, वो सभी ढीले नज़र आती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत टाइम लेती है। तो ये सभी चीज़ में अगर आप इग्नोर करोगे, अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म विजय सेतुपति की देखना चाहते हो, अगर आप उनकी डाई हार्ड फैन हो और उनकी फिल्म देखते हो सभी के सभी ओवरऑल, तो ये फिल्म भी आप ज़रूर वॉच करोगे मेरे ख्याल से, अगर आप उनकी डाई हार्ड फैन हो तो मुझे पता है, अदरवाइज नहीं है तो आप वन टाइम इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि OTT के नेटफ्लिक्स पर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन के साथ तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि तेलुगु डब्ड वर्जन, कन्नड़ा डब्ड वर्जन, मलयालम डब्ड वर्जन एंड हिंदी डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को देख पाओगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, विदाउट सब्सक्रिप्शन आप फिल्म को देख नहीं पाएंगे, मतलब कि आपको फिल्म देखने के लिए रेंट पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म को फ्री में वॉच नहीं कर पाएंगे, आप अगर इस तरह से फिल्म को देखना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों तमिल लैंग्वेज की सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो स्टार विजय सैटेलाइट राइट्स टीवी टेलीविजन के ऊपर प्रीमियम मुतवन नजर आएगा, जहां पर महाराजा नाम के साथ आप इस फिल्म को देख पाओगे। इस तरह से सैटेलाइट राइट्स में आप देख सकते हो, तमिल वर्जन की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन की दबाना मत भूलिए, नहीं तो फिल्म से जुड़ी साउथ फिल्म बॉलीवुड फिल्म जो भी जिस तरह से फिल्म से आपको एक्सप्लेनेशन फैक्ट रिव्यू जो भी जानकारी आपको मिलने पाएगी, अगर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आपको मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, किस तरह से क्या रखा गया, किस तरह से क्या हुआ था, जो भी जानकारी आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आफ्टर दी सक्सेस फिल्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुरंगु बम्बई 2017 में जो फिल्म आई थी उसके सक्सेस के बाद नितिलन स्वामीनाथन सर जो कि डायरेक्टर साइन किए थे, जो सुधान सुंदरमंस पैशन स्टूडियोज पे उसके अंदर ही फिल्म बनाई जाएगी, जहाँ पर डायरेक्ट जो दे नेक्स्ट डायरेक्शनल अंडर जो विच प्रोडक्शन पे हॉविंग द प्रोजेक्ट वाज ए डेवलपमेंट हिल फॉर सेल्वरर यूवर जो डू अननोन्स रीजन के चलते, जहाँ पर नितिलन देन नरेटेड द स्क्रिप्ट टू जी धनजान हु सजेस्टेड किए थे टू द डायरेक्टर दैट ही सोल्ड नरेटेड इट टू विजय एंटोनी विच ही इड एंड इम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर द एक्टर नितिलन ओवर एंड टू रिसीव ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम सुंदरस की प्रोडक्शन के चलते हाउस पर, जहाँ पर द फिल्म द कंपनी वॉज हवेर नॉट इन द फेवर ऑफ पासिंग द प्रोजेक्ट टू अनदर हाउस दी फोर नॉट गिविंग द NOC सोन आफ्टर द कंपनी देन स्टेटेड दैट द वी होल्ड नारेटेड द स्क्रिप्ट टू विजय सेतुपति एंड इफ ये टेनिस बिगिंग पार्ट ऑफ द फिल्म द वी होल्ड पास द प्रोजेक्ट। सेतुपति हु वॉज इम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर स्क्रिप्ट उनको जो सुनाई थी उसके बाद वो एग्री हुए थे बी पार्ट ऑफ द फिल्म की
लीडिंग टू हिम रिप्लेस उनकी जगह पे किए थे, जहाँ पर एंटोनी सुंदरस की जगह उनको लिया गया था। कंपनी मेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी, जहाँ पर 1 फरवरी के मंथ पे, जहाँ पर 2023 के ईयर में, जहाँ पर कंफर्म हुई थी द प्रोजेक्ट विल्ड जो कि सिग्निफाई एज सेतुपति को जो 15th फिल्म आल्सो हुई कि जहाँ पर लीड एक्टर 2020 टाइटल जो कि VJS 15 प्रिंसिपल फोटोग्राफी वेगन शॉर्टली आफ्टर यह मुहूर्त पूजा फिल्म के लिए रखा गया था। हेल्ड ये सेम डे पर ही आर्ट ये द फिल्म की स्टूडियो इन द चेन्नई विथ प्रेजेंस ऑफ द फिल्म्स की कास्ट ऑफ एंड क्रू जगदीश पलनस्वामी द रूट इन थिंक स्टूडियोज लेटर वन ज्वाइन किए थे एज ए को प्रोड्यूसर इन अर्ली अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर सुंदरम स्टार्ट की गई थी द 50 of 85 फिल्मिंग डेज पर जो कि वेयर कंप्लीट हुई थी। एंड ओनली देन डेज की बात के रिमाइंडिंग करके फॉर सेतुपति 1/12 के डेट पर, जहाँ पर जुलाई के मंथ में एडिक्शन टू द प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैपिंग करके द फिल्म की ऑफिशियल टाइटल महाराजा रखा गया था, वाज अनाउंसमेंट की गई थी बाई दी प्रोडक्शन हाउस पे। इसी तरह बात हुई थी अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास एंड नटराजन सुब्रमण्यम वाज अनाउंसमेंट की गई थी प्ले के जो इसी द लीड रोल पे नजर आएंगे अलोंग साइड सेतुपति, दिव्या भारती, अभिरमणि, अरुल दास, मुनिस्कंत, मणिकनंदन, सिंगम पुली, भरती राजा, विनोद सागर एंड PL तेनपल विल अपीयर में इन द सपोर्टिंग रोल्स पे। डबिंग वर्क्स वेयर कंप्लीट की गई थी, जहाँ पर 31 की डेट पे दिसंबर के मंथ में 2023 के ईयर में। तो इसी तरह प्रोडक्शन की जितने भी बातें हैं, जो भी जितने भी जानकारी है बताई जा रही है। तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की जो भी बात ही है, जैसे बात जानकारी है, जो भी जितने भी जानकारी या फिर बात की जाए, तो उससे भी मतलब यहाँ पर मेकर्स ने अनहाइड करके रखे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च की हुई तो उससे भी जानकारी मिल नहीं पाई है। अदरवाइज आगे देखते आने वाले समय पर उसकी भी कुछ होती है तो आपको जानकारी देने मतलब कोशिश करूंगा कि मिल पाए आपको। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह जो भी बातें हुई है। अब दोस्तों आखिर में फिल्म का प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो, कहानी कह लो, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा किस तरह से क्या रखा गया है, कौन सी प्लॉट के साथ। तो दोस्तों महाराजा एक शांत व्यक्ति है जो चेन्नई में जो कि रामा की सलून में नाई का रूप में काम करता है। एक दिन एक ट्रक उसके घर से टकरा गया जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी पति ज्योति तब बच जाती है जब एक पौधे ने कण गलती से गिर जाता है और उसे जो कि ढाक देता है। महाराजा और ज्योति श्रीनिवास को देने कन का नाम लक्ष्मी रखती हैं। तो कहानी में दोस्तों आगे यही बताई गई, एक सिंपल सा लाइफ जो एक सीधा साधा इंसान महाराजा लाइफ में जो कि वो फिल्म में दिखाया गया जीता है, मतलब विजय सेतुपति महाराजा का रोल निभाते, तो वो एक सिंपल सा सलून का मतलब लाइफ अच्छी खासी गुजारते हैं। बट एक दिन अचानक एक ट्रक उनकी घर पे जो कि टकरा जाता है, उसके बाद पूरी लाइफ उनकी बदल जाती है एकदम से। वही फिल्म के बाद उसके बाद असली जो ट्विस्ट टर्न है किस तरह से क्या आती है, वही फिल्म की कहानी पूरी बनाती है। तो आखिर तक वही आपको पता चलने वाली है किस तरह से क्या वो फिर महाराजा हर एक के साथ लड़ता है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वही फिल्म की देखने में आपको पता चलेगी। तो दोस्तों महाराजा साल 2024 के ईयर में यानी इसी साल रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए नितिलन स्वामीनंदन सर ने। सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी उनका ही रहा, स्टोरी आइडिया भी इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है। डायलॉग्स की बात की जाए तो नितिलन स्वामीनंदन सर के अलावा जैसे कि उनके लिए डायलॉग्स में मदद किए हुए राम मुरलेश्वर ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में जो कि स्क्रीन प्ले में उनका ही हम सभी को स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है, स्क्रीन प्ले भी उनका ही रहा। और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सुंदरम सर की अलावा जैसे कि जगदीश पलनस्वामी सर की इस फिल्म में हम सभी को प्रोड्यूसर का काम करते हुए नजर आते हैं जो कि इस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए। अब स्टार्टिंग लीड कास्ट की फिल्म की बात की जाए तो विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप,
ममता मंदास इस फिल्म में हम सबको स्टार्टिंग लेट कास्ट में देखने को मिलती है। दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिनेश पुरुषोत्तम का इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलता है, यानी इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक का जो काम है उन्होंने संभाले हुए थे, पूरी उन्होंने सिनेमेटोग्राफिक करके दिए हुए, जहाँ पर काफी बढ़िया जो कि एक एडिशन बोल सकते हैं, एक एक्सलेंट जो कि सिनेमेटोग्राफिकर है, वहीं पर फिल्म जो कि फिलोनियम राज का इस फिल्म में एडिटिंग का जो काम है उन्होंने करके दिए हुए, जो कि काफ़ी एडिटर बहुत ही बड़े एडिटर हैं। इसके अलावा जहां पर उन्होंने 141 मिनट का रन टाइम दिए थे इस फिल्म में, यानी कि 2 घंटा 21 मिनट की पूरी फिल्म है। अगर हम बात करें तो काफ़ी रन टाइम फिल्म के लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म देखते हो तो उस हिसाब से रन टाइम ज़्यादा नहीं है, जो कि बेहतरीन है। अदरवाइज थोड़े बहुत आपको बोरिंग जो सीन्स है, जो टाइम है, वो आपको छाट वट कर दिए हुए, तो काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग डाला गया। तो इसी के साथ दोस्तों रन टाइम है जो कि डेफिनेटली इतने रन टाइम के साथ आप 2 घंटा 21 मिनट में जो कि इस फिल्म को देख पाओगे, यानी आप और हम इसी के साथ हम रन टाइम के साथ फिल्म को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बी अजनेस लोकंत सर की इस फिल्म में जो कि उनका म्यूजिक और साउंड ट्रैक एल्बम इस फिल्म में जो कि हम सभी को सुनने को मिलेगी, जहाँ पर कंपोजिंग उनका ही रहा, अदरवाइज बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म में उनका ही सुनने को मिलती है, सॉन्ग सुनने की मिलती है। यार दोस्तों अगर हम सभी साथी म्यूजिकल डिपार्टमेंट या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से कैसा रखा गया है और आप सुन चुके हैं तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज अगर आप नहीं सुन चुके हैं तो सुनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेलिंग के साथ आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्या कौन से टाइटल के साथ रखा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां पर अजनेश लोकंत सर जो कि 2024 की ईयर में जो युवा फिल्म में आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग रहा, काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज 2024 में फिर एक जो वामना जो फिल्म आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग लिया गया था, तो काफ़ी जो कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े सिंगर जो कि सिंगर्स के जो मतलब संभाले हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया है, तो उनका ही सुनने को मिलती है। अब दोस्तों सिंगल्स की बात की जाए तो वैसे तो मैं आपको बता दूं किस तरह से क्या रिलीज की गई थी, तो कोलेब्रेशन उनका साथ ही हुआ था। अब फर्स्ट सिंगल की टाइटल की बात की जाए तो उसके साथ सेतुपति सर की सेकंड कोलेब्रेशन हुई थी, जहां पर समिनंत आफ्टर कुरंगु बम्बई जो फिल्म आई थी उसके बाद फोर्थ फिल्म जो उसके उनके साथ जो हुआ था कोलेब्रेशन जो कि कुरंगा बम्बई फिल्म 2017 में आई थी, फिर रिची एंड नम जो कि नमीर 2018 में उस फिल्म में भी उनका रहा, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी फिल्म में इनके साथ कोलैबोरेशन हुई है। अब फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात की तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है उस सॉन्ग को सिद्ध श्रीम एंड सर ने मतलब राइट दिए हुए थे, यानी वायरमंतु सर ने भी उसको गाए हुए, जहाँ पर 7 जून 2024 की ईयर में रिलीज़ की गई थी। इसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल की बात की तो राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज की बात की जाए तो 15 जून 2024 के साल में रिलीज़ की गई थी, यानी इसी साल आफ्टर द फिल्म्स के रिलीजिंग सॉन्ग्स इसी तरह रिलीज़ की गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सभी जो तमिल सॉन्ग का मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तमिल सॉन्ग में ये सभी सॉन्ग सुनने को मिलती है, अदरवाइज अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो जंगली म्यूजिक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो इस तरह से जाके पूरी सॉन्ग्स को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं टाइटल लेंथ के साथ बात करूं तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है, पहला सॉन्ग का टाइटल, उसको वायरमंतु सिद्ध श्रीम जो कि श्रीमम सर ने लिरिक्स दिए थे, यानी सिंगिंग किए थे श्रीमम सिद्ध सर ने। और लेंथ की बात की जाए तो 3 मिनट 8 सेकंड की लेंथ के साथ सॉन्ग को सुनने को मिलती है। वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको वायरमंतु सर ने लिरिक्स दिए थे। अब सिंगर की बात किया तो जितिन राज हर्षिका देवनाथ जो कि सिंगर ने गाए हुए, तो काफ़ी तीन सिंगर मिलकर तो समझ सकते कितने बड़े बड़े सिंगर को लिया गया था इस सॉन्ग को, जहाँ पर 4 मिनट 5 सेकंड के लेंथ के साथ आप सॉन्ग को भी इंजॉय कर पाओगे। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 7 मिनट 13 सेकंड के साथ आप पूरी सॉन्ग्स को इंजॉय कर सकते हो, तो इस तरह से अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, मतलब कौन से कंपनी के अंडर ये बनाई गई थी इस फिल्म को, तो द रोड थिंग्स स्टूडियोज पैसन स्टूडियोज के अंडर इस फिल्म को बनाई गई, जो कि बैनर के नीचे इस फिल्म को काफ़ी अच्छी खासी जो कि प्रोडक्शन कंपनी है। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो NVR सिनेमास के उनकी ओर से कंप्लीट करवाई गई डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की जाए, मतलब कौन से एक्टर एक्टर एक्टरिस
आर्टिस्ट किस रोल के साथ फिल्म में नजर आने वाला, उसी के साथ आपको मैं बताने वाला किस नाम के साथ फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों विजय सेतुपति एज ए महाराजा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। यह बारबर एंड ज्योतिष के एडेप्टर फादर रहते इस फिल्म में, उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप एज ए सेल्वम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहां पर ज्योतिष के बायोलॉजिक फादर रहते इस फिल्म में, उसी रोल में आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं। ममता मोहनदास एज ए आसिफा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। नटराजन सुब्रमण्यम एज इंस्पेक्टर एस वर्धराजन का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभिरामी एज ए कोकिला श्री लक्ष्मी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। दिव्या भारती एज ए महाराज की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सिंगम पुली एज ए नल शिवम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अरुल दास एज ए एस आई आर के पेरमुल स्वामी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुनिस्कांत एज ए कॉन्स्टेबल कुचिकंदई वेलु का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सचना नमिदास एज ए ज्योति का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर बेबी सिनिका एज ए बेबी ज्योति करके भी फिल्म में प्ले करते हुए उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। और विनोद सागर एज ए सबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहां पर सेल्वम्स के असिस्टेंट रहते हैं, इसी के साथ आपको रोल में फिल्म में नजर आएंगे। मनिका नंदन एज ए धाना का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। कलयन एज ए काउंसलर करुणकरण आपको उस रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। कल्की एज ए पोलिस यतीफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पी एल तेनप्पन एज ए सलून ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सर्वाना सुबिया एज ए इंस्पेक्टर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। वेट्रीवेल राजा एज ए कॉन्स्टेबल धनपाल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। भारतीय राजा एज ए गोपाल तट्टा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मोहन रमन एज ए डॉक्टर अंकल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पोवैयार एज ए सलून स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। लिजिया एंटोनी एज ए विक्टिमिंग ऑफ रोबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पोस्टर नंद कुमार एज ए स्कूल कॉरेस्पॉन्डेंट का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। श्री राजा रवि एज ए आसिफास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पिचकरण मूर्ति एज ए साइबर क्राइम स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। संगीता वी एज ए वर्धराजसन के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सुपर गुड सुब्रमणी एज ए टॉय शॉप ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुल्लई आरसी एज ए थीफ्स की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल इसी के साथ जितने भी मैंने आर्टिस्ट यानी कास्टिंग जिस रोल के साथ आपको मैंने बताई है, इसी के साथ आपको फिल्में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों महाराजा फिल्म को वाज थिएट्रिकली रिलीजिंग की बात की है तो 14 जून 2024 के यानी इसी साल थिएटर्स पर रिलीज की गई थी, जहां पर आफ्टर फ्रॉम इट इज ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज इट इज आल्सो डब्ड एंड रिलीजिंग की इन तेलुगु में भी की गई थी। प्रेसेस स्क्रीन पर वाज हेल्ड टू डेज पे प्रोवेवर टू द रिलीजिंग 12 जून पर भी हुई थी। इट इज वाज इनिशियली प्लान की गई थी मेकर्स ने रिलीज इन मई के मंथ में 2024 की एयर में, बट वाज लेटर वन ये सभी शिफ्ट की गई थी जून के मंथ में, जहां पर डू यू के अनसिपेक्टेड के रीजन के चलते द फिल्म्स की वाज प्रीमियम की गई थी लॉस एंगल्स की ऑन 28 जून पर, जहां पर 2024 की एयर पर एज एस्टी से वाज सेलेक्ट की गई थी एज वन ऑफ द क्लोजिंग नाइट सिलेक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर, जहां पर लॉस एंगल्स पर। तो इसी के साथ फिल्म को जो कि रिलीज की गई थी, साथ ही दोस्तों आप सभी जो फिल्म को देख पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों जब महाराजा फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो मतलब पॉजिटिव भी रिव्यूज मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है फिल्म को रिव्यूज मिली है। तो दोस्तों फिल्म को आईएमडीबी पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसी के साथ रोटेन टोमेटोज की तरफ से 54% इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया, जो कि काफ़ी एवरेज है, बढ़िया है। गूगल रिव्यूज की बात की जाए तो 80% इस फिल्म को लाइक्स मिली हुई है ऑडियंस के हद से, इस हिसाब से फिल्म को पसंद की गई थी। अब साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट है बहुत ही कम बजट पर, लो बजट पर फिल्म को बनाई गई, जहाँ पर 20 करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई, जो कि डायरेक्टर ने ज़्यादा उम्मीद ने लगाए हुए थे, मतलब जिस हिसाब से एक्टर था आर्टिस्ट था उसी हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगा के लगाई हुई है। अब वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो
7 करोड़ रुपए में कमाई की, जो 107 करोड़ रुपए में कमाई की हुई है। सिर्फ सिनेमा थिएटर के लिए बात की जाए या फिर जिस हिसाब से नेट कलेक्शन की बात की जाए उस हिसाब से फिल्म ने कमा करके दी है। तो दोस्तों इट इज़ हार्ड दी हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड एंड इमरजेस एज दी सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथिंग तमिल ऑफ 2024 की जो कि फिल्म बन चुकी है। एक विजय सेतुपति की एक सुपरहिट फिल्म बनने में कामयाब रही, इसी हिसाब से फिल्म को नाम मिली हुई है। तो अब समझ सकते हैं फिल्म तो अभी चल ही रही है, फिलहाल देखते आगे जाके क्या कर पाती है, क्योंकि बहुत ही बड़े एक्टर को लिया गया जो कि समझ सकते हैं साउथ इंडस्ट्री के एक्टर विजय सेतुपति और साथ ही कश्यप अनुराग, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो कुछ ना कुछ टक्कर देने में कामयाब रहेगी फिल्म। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ तक जो कि पहुँच पाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें, फिल्म के बारे में मैं अगर आपको थोड़े बहुत बात करूँ या फिर बताऊँ एक्टर एंड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जैसे कि विजय सेतुपति एक्टर आप समझ सकते कितने बड़े एक्टर हैं, तो उनका इस फिल्म में लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने एक्टर जो इसमें एक्टिंग किए काफ़ी जो कि एकदम से एकदम लाजवाब किए हैं, जहां पर आपको पसंद आएगी उनकी एक्टिंग इस फिल्म में। जो वो एक सिंपल सा जो सलून मतलब चलाते उसमें उन्होंने जो एक पिता का जो रोल निभाया काफ़ी लाजवाब है, जो उनका पिता का जो जिस हिसाब से जो हद तक करना चाहिए, अगर उनके डॉटर को कोई नुकसान पहुंचाते तो वो किस हद तक जाना चाहिए, वो सभी इसमें काफ़ी एकदम से एकदम करके दिए हुए। जहां पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग, फाइटिंग सीन्स जिस हिसाब से किए हैं, तो काफ़ी मुझे तो गुजबम के साथ पसंद आई। अदरवाइज इस फिल्म में वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, जहाँ पर थोड़ा सा आउट से लेकर नेक्स्ट लेवल तक करके दिखाए। उनका इसमें जो बात करने का डायलॉग जिस हिसाब से, वो जो पूरा पावरफुल इग्नोर जो एंग्री मैन के साथ जिस हिसाब से डायलॉग्स मारते हैं, जहाँ पर वो मतलब एक चाकू लेके जिस हिसाब से कान में या फिर गर्दन में काट देते हैं, तो वो सीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डरावना लगेगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं वो से भी थोड़े बहुत पसंद आई। अदरवाइज और भी जैसे एक्टर की बात की, अनुराग कश्यप इस फिल्म में पूरे फिल्म में वो छा गए, वो पूरी फिल्म में उनका ज़्यादा नाम चल रहा है। उन्होंने बॉलीवुड समझ सकते हैं बॉलीवुड के है डायरेक्टर भी है और एक्टर इस फिल्म में करके दिए, तो वो बोलना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जो सेल्वम का जो रोल फिल्म में निभाया है काफ़ी मुझे कहीं ना कहीं हद तक पसंद आई। उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं आपको सिंपल मैन के साथ नजर आएगी, बट वो जिस हिसाब से हर एक के साथ किस मतलब टाका बैठते, किस हिसाब से वो टक्कर लेते, वो से भी इसमें वो विजय सेतुपति का जो रोल निभाया महाराजा का, उनके साथ जिससे वो टक्कर देने में कामयाब रहते हैं, तो उनका एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आएगी आपको। कहीं ना कहीं वो चलने का स्टाइल, डायलॉग स्टाइल इसके साथ थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अलग लेवल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फिल्म की फर्स्ट हाफ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट उसके बाद 15-20 मिनट के साथ आपको फिल्म कहीं ना कहीं एंगेजिंग रखेगी, वहीं पर बोरिंग थोड़े बहुत लग सकती है। बट सेकेंड हाफ के बाद इंटरवल में जो विजय सेतुपति असली रूप में आते हैं, जहाँ पर वो उनकी डॉटर के साथ वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, बट उनका लाइफ में कोई टॉर्चर कर देता है, उसके बाद वो असली मुद्दा पे आते हैं, फिर वो असली चेहरा उनके देखने के बाद आपको वो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगी किस हद तक वो करके किस मतलब लेवल तक गुजर जाते हैं, किस लेवल तक हद तक चले जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो हर एक विलन को मारने के लिए चुन चुन के मारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाफ में देखने में एंगेजिंग बना के रखेगी, कहीं ना कहीं वो सभी चीज़। अगर आप एक्शन थ्रिलर सस्पेंस के साथ फिल्म देखते हो तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत डिले लगेगी, सेकेंड हाफ के बाद टाइट पूरी फिल्म बांधे रखती है। उसके बाद फिल्म की बीजीएम थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर करनी पड़ेगी, उतनी खास नहीं है फिल्म के हिसाब से, ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर भी अव्वल लेवल तक देखने को मिलती है, सिनेमेटोग्राफिक जो शूटिंग के लेवल में जिस हिसाब से होना चाहिए था वो थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा कर सकते थे। एक्शन सीक्वेंस तो आपको पूछने नहीं पड़ेगी, जब तक असली रूप में जब आते हैं विजय सेतुपति वही ना वही आपको उनकी एक्शन सीक्वेंस पसंद आएगी। ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की डायरेक्शनल, जो उन्होंने एक सलून के ऊपर जिस तरह से वो एक डॉटर के साथ एक वाइफ के साथ लाइफ किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जीते हैं वो लाइफ बताई गई है, उसके बाद उनके लाइफ में कोई टॉर्चर कर देते हैं, मतलब उनका लाइफ अच्छा खासा जी मतलब सिंपल लाइफ जीते हुए उनकी लाइफ में कोई मतलब घुस के उनकी लाइफ बिगाड़ देते हैं, पूरी परिवार बिगाड़ देते हैं, फिर वो
उनकी परिवार जोड़ने में लगे रहते हैं, तो उस भी डायरेक्टर का जो काम है अव्वल लेवल है। मुझे कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा करके दिए हुए, तो उनका काम मुझे कहीं ना कहीं पसंद आई। और स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आते, टाइट नहीं है उतना। फोटोग्राफी और थोड़ा बहुत चीज़ें जो शूटिंग लेवल में जहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं और मतलब कहीं ना कहीं उनका काम मेहनत रह सकता था, प्लॉट ठीक था, स्क्रीन उतना खास नहीं है, वो सभी ढीले नज़र आती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत टाइम लेती है। तो ये सभी चीज़ में अगर आप इग्नोर करोगे, अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म विजय सेतुपति की देखना चाहते हो, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो और उनकी फिल्म देखते हो सभी के सभी ओवरऑल, तो ये फिल्म भी आप ज़रूर वॉच करोगे मेरे ख्याल से, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो तो मुझे पता है, अदरवाइज नहीं है तो आप वन टाइम इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि OTT के नेटफ्लिक्स पर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन के साथ तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि तेलुगु डब्ड वर्जन, कन्नाडा डब्ड वर्जन, मलयालम डब्ड वर्जन एंड हिंदी डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को देख पाओगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, विदाउट सब्सक्रिप्शन आप फिल्म को देख नहीं पाएंगे, मतलब कि आपको फिल्म देखने के लिए रेंट पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म को फ्री में वॉच नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस तरह से फिल्म को देखना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों तमिल लैंग्वेज की सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो स्टार विजय सैटेलाइट राइट्स टीवी टेलीविजन के ऊपर प्रीमियम मुतवर नजर आएगा, जहां पर महाराजा नाम के साथ आप इस फिल्म को देख पाओगे। इस तरह से सैटेलाइट एड्रेस में आप देख सकते हो, तमिल वर्जन की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन की दबाना मत भूलिए, नहीं तो फिल्म से जुड़ी साउथ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, जो भी जिस तरह से फिल्म से आपको एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, रिव्यू, जो भी जानकारी है आपको मिलने पाएगी, अगर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आपको मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, किस तरह से क्या रखा गया, किस तरह से क्या हुआ था, जो भी जानकारी आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आफ्टर दी सक्सेस फिल्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुरंगु बम्बई 2017 में जो फिल्म आई थी उसकी सक्सेस के बाद नितिलन स्वामीनाथन सर जो कि डायरेक्टर साइन किए थे, जो सुधान सुंदरमंस के पैशन स्टूडियोज पे उसके अंदर ही फिल्म बनाई जाएगी, जहाँ पर डायरेक्ट जो दे नेक्स्ट डायरेक्शनल अंडर जो विच प्रोडक्शन पे हॉविंग द प्रोजेक्ट वाज ए डेवलपमेंट हिल फॉर सेल्वरर यूवर जो डू अननोन्स रीजन के चलते, जहाँ पर नितिलन देन नरेटेड द स्क्रिप्ट टू जी धनजान हु सजेस्टेड किए थे टू द डायरेक्टर दैट ही सोल्ड नरेटेड इट टू विजय एंटोनी विच ही इड एंड एम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर द एक्टर नितिलन ओवर एंड टू रिसीव ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम सुंदरस की प्रोडक्शन के चलते हाउस पर, जहाँ पर द फिल्म द कंपनी वॉज हवर नॉट इन द फेवर ऑफ पासिंग द प्रोजेक्ट टू अनदर हाउस दियर फोर नॉट गिविंग द NOC सोन आफ्टर द कंपनी देन स्टेटेड दैट द वी होल्ड नरेटेड द स्क्रिप्ट टू विजय सेतुपति एंड इफ यू टेनिस बिगिंग पार्ट ऑफ द फिल्म द वी होल्ड पास द प्रोजेक्ट। सेतुपति हु वॉज इम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर स्क्रिप्ट उनको जो सुनाई थी उसके बाद वो एग्री हुए थे बी पार्ट ऑफ द फिल्म की, लीडिंग टू हिम रिप्लेस उनकी जगह पे किए थे, जहाँ पर एंटोनी सुंदरस की जगह उनको लिया गया था। कंपनी मेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी, जहाँ पर 1 फरवरी के मंथ पे, जहाँ पर 2023 के ईयर में, जहाँ पर कन्फर्म हुई थी द प्रोजेक्ट विल्ड जो कि सिग्निफाई एज सेतुपति को जो 15th फिल्म आल्सो हुई कि जहाँ पर लीड एक्टर 2020 टाइटल जो कि VJS 15 प्रिंसिपल फोटोग्राफी वेगन शॉर्टली आफ्टर यह मुहूर्त पूजा फिल्म के लिए रखा गया था। हेल्ड सेम डे पर ही आर्ट ये द फिल्म की स्टूडियो इन द चेन्नई विथ प्रेजेंस ऑफ द फिल्म की कास्ट ऑफ एंड क्र्यू जगदीश पलनस्वामी दी रूट इन थिंक स्टूडियोज लेटर वन ज्वाइन किए थे एज ए को प्रोड्यूसर इन अर्ली अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर सुंदरम स्टार्ट की गई थी द 50 ऑफ 85 फिल्मिंग डेज पर जो कि वेयर कंप्लीट हुई थी
एंड ओनली देन रेस की बात के रिमाइंडिंग करके फॉर सेतुपति ऑन 12th के डेट पर जहाँ पर जुलाई के मध्य में एडिक्शन टू द प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैपिंग करके द फिल्म की ऑफिशियल टाइटल महाराजा रखा गया था वाज अनाउंसमेंट की गई थी बाय द प्रोडक्शन हाउस पे। इसी तरह बात हुई थी अनुराग कश्यप ममता मोहनदास एंड नटराजन सुब्रमण्यम वाज अनाउंसमेंट की गई थी प्ले के जो इसी लीड रोल पे नजर आएंगे अलोंग साइड सेतुपति दिव्या भारती अभिरमणि अरुल दास मुनिस्कंत मणिकनंदन सिंगम पुली भरती राजा विनोद सागर एंड पी एल तेनपल विल अपीयर में इन द सपोर्टिंग रोल्स पे। डबिंग वर्क्स वेयर कंप्लीट की गई थी जहाँ पर 31 की डेट पे दिसंबर के मध्य में 2023 के ईयर में। तो इसी तरह प्रोडक्शन की जितने भी बातें हैं जो भी जितने भी जानकारी है बताई जा रही है। तो दोस्तों फिल्मिंग की जो भी बात है जैसे बात जानकारी है जो भी जितने भी जानकारी या फिर बात की जाए तो उससे भी मतलब यहाँ पर मेकर्स ने अनहाइड करके रखे हुए तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च की हुई तो उस भी जानकारी मिल नहीं पाई है। अदरवाइज आगे देखते आने वाले समय पर उसकी भी कुछ होती है तो आपको जानकारी देने मतलब कोशिश करूंगा कि मिल पाए आपको। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह जो भी बातें हुई है। अब दोस्तों आखिर में फिल्म का प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो कहानी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा किस तरह से क्या रखा गया कौन सी प्लॉट के साथ। तो दोस्तों महाराजा एक शांत व्यक्ति है जो चेन्नई में जो कि रामा की सलून में नाई का रूप में काम करता है। एक दिन एक ट्रक उसके घर से टकरा गया जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी पति ज्योति तब बच जाती है जब एक पौधे कण गलती से गिर जाता है और उसे जो कि ढाक देता है। महाराजा और ज्योति श्रीनिवास पौधे कण का नाम लक्ष्मी रखती हैं। तो कहानी में दोस्तों आगे यही बताई गई एक सिंपल सा लाइफ जो एक सीधा साधा इंसान महाराजा लाइफ में जो कि वो फिल्म में दिखाया गया जीता है मतलब विजय सेतुपति महाराजा का रोल निभाते तो वो एक सिंपल सा सलून का मतलब लाइफ अच्छी खासी गुजारते हैं। बट एक दिन अचानक एक ट्रक उनकी घर पे जो कि टकरा जाता है उसके बाद पूरी लाइफ उनकी बदल जाती है एकदम से। वही फिल्म के बाद उसके बाद असली जो ट्विस्ट टर्न है किस तरह से क्या आती है वही फिल्म की कहानी पूरी बनाती है। तो आखिर तक वही आपको पता चलने वाली है किस तरह से क्या वो फिर महाराजा हरेक के साथ लड़ता है किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या नहीं वही फिल्म की देखने में आपको पता चलेगी। तो दोस्तों महाराजा साल 2024 के ईयर में यानी इसी साल रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए नितिलन स्वामीनंदन सर ने। सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी उनका ही रहा स्टोरी आइडिया भी इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है। डायलॉग्स की बात की जाए तो नितिलन स्वामीनंदन सर के अलावा जैसे कि उनके लिए डायलॉग्स में मदद किए हुए राम मुरलेश्वर ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में उनका ही हम सभी को स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले भी उनका ही रहा। और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सुंदरम सर की अलावा जैसे कि जगदीश पलन स्वामी सर की इस फिल्म में हम सभी को प्रोड्यूसर का काम करते हुए नजर आते हैं जो कि इस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए। अब स्टार्टिंग लीड कास्ट की फिल्म की बात की जाए तो विजय सेतुपति अनुराग कश्यप ममता मंदास इस फिल्म में हम सबको स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है। दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिनेश पुरुषोत्तम का इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक हम सबको इस फिल्म में देखने को मिलता है यानी इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक का जो काम है उन्होंने संभाले हुए थे पूरी उन्होंने सिनेमेटोग्राफिक करके दिए हुए जहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो कि एक एडिशन बोल सकते हैं एक एक्सलेंट जो कि सिनेमेटोग्राफिकर है वहीं पर फिल्म जो कि फिलोनियम राज का इस फिल्म में एडिटिंग का जो काम है उन्होंने करके दिए हुए जो कि काफ़ी एडिटर बहुत ही बड़े एडिटर हैं। इसके अलावा जहां पर उन्होंने 141 मिनट का रन टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि 2 घंटा 21 मिनट की पूरी फिल्म है। अगर हम बात करें तो काफ़ी रन टाइम फिल्म के लिए तो ज़्यादा नहीं है बट फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म देखते हो तो उस हिसाब से रन टाइम ज़्यादा नहीं है जो कि बेहतरीन है। अदरवाइज थोड़े बहुत आपको बोरिंग जो सीन्स है जो टाइम है वो आपको छाटवट कर दिए हुए तो काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग डाला गया। तो इसी के साथ दोस्तों
रन टाइम में, जो कि डेफिनेटली इतनी रन टाइम के साथ आप 2 घंटा 21 मिनट में जो कि इस फिल्म को देख पाओगे, यानी आप और हम इसी के साथ हम रन टाइम के साथ फिल्म को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बी अजनेस लोकंत सर की इस फिल्म में जो कि उनका म्यूजिक और साउंड ट्रैक एल्बम इस फिल्म में जो कि हम सभी को सुनने को मिलेगी, जहाँ पर कंपोजिंग उनका ही रहा, अदरवाइज बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म में उनका ही सुनने को मिलती है, सॉन्ग सुनने की मिलती है। यार दोस्तों अगर हम सभी साथी म्यूजिकल डिपार्टमेंट या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से कैसा रखा गया है, और आप सुन चुके हैं तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज अगर आप नहीं सुन चुके हैं तो सुनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेलिंग के साथ आपको मैं बताऊँगा किस तरह से क्या कौन से टाइटल के साथ रखा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर अजनेश लोकंत सर जो कि 2024 की ईयर में जो युवा फिल्म में आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग रहा, काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज 2024 में फिर एक जो वामना जो फिल्म आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग लिया गया था, तो काफ़ी जो कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े सिंगर जो कि सिंगर्स के जो मतलब संभाले हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया है, तो उनका ही सुनने को मिलती है। अब दोस्तों सिंगल्स की बात की जाए तो वैसे तो मैं आपको बता दूं किस तरह से क्या रिलीज की गई थी, तो कोलेब्रेशन उनका ही साथ ही हुआ था। अब फर्स्ट सिंगल की टाइटल की बात की जाए तो उसके साथ सेतुपति सर की सेकंड कोलेब्रेशन हुई थी, जहाँ पर समिनंत आफ्टर कुरंगू बम्बई जो फिल्म आई थी उसके बाद फोर्थ फिल्म जो उसकी उनके साथ जो हुआ था कोलेब्रेशन जो कि कुरंगा बम्बई फिल्म 2017 में आई थी, फिर रिची एंड नम जो कि नमीर 2018 में उस फिल्म में भी उनका रहा, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी फिल्म में इनके साथ कोलैबोरेशन हुई है। अब फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात की तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है उस सॉन्ग को सिद्ध श्रीम एंड सर ने मतलब राइट दिए हुए थे, और यानी वैरमंतु सर ने भी उसको गाए हुए, जहाँ पर 7 जून 2024 की ईयर में रिलीज़ की गई थी। इसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल की बात की तो राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज की बात की जाए तो 15 जून 2024 के साल में रिलीज़ की गई थी, यानी इसी साल आफ्टर द फिल्म्स के रिलीजिंग सॉन्ग्स इसी तरह रिलीज़ की गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सभी जो तमिल सॉन्ग का मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तमिल सॉन्ग में ऐसे भी सॉन्ग सुनने को मिलती है, अदरवाइज अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो जंगली म्यूजिक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो इस तरह से जाके पूरी सॉन्ग्स को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं टाइटल लेंथ के साथ बात करूं तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है, पहला सॉन्ग का टाइटल, उसको वैरमंतु सिद्ध श्रीम जो कि श्रीमम सर ने लिरिक्स दिए थे, यानी सिंगिंग किए थे श्रीमम सिद्ध सर ने। और लेंथ की बात की जाए तो 3 मिनट 8 सेकंड की लेंथ के साथ सॉन्ग को सुनने को मिलती है। वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको वैरमंतु सर ने लिरिक्स दिए थे। अब सिंगर की बात किया तो जितिन राज अर्शिका देवनाथ जो कि सिंगर ने गाए हुए, तो काफ़ी तीन सिंगर मिलकर तो समझ सकते कितने बड़े बड़े सिंगर को लिया गया था इस सॉन्ग को, जहाँ पर 4 मिनट 5 सेकंड की लेंथ के साथ आप सॉन्ग को भी इंजॉय कर पाओगे। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 7 मिनट 13 सेकंड के साथ आप पूरी सॉन्ग्स को इंजॉय कर सकते हो, तो इस तरह से अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, मतलब कौन से कंपनी के अंडर ये बनाई गई थी इस फिल्म को, तो द रोड थिंग्स स्टूडियोज पैसन स्टूडियोज के अंडर इस फिल्म को बनाई गई, जो कि बैनर के नीचे इस फिल्म को काफ़ी अच्छी खासी जो कि प्रोडक्शन कंपनी है। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो NVR सिनेमास के उनकी ओर से कंप्लीट करवाई गई डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की जाए, मतलब कौन से एक्टर एक्ट्रेस आर्टिस्ट किस रोल के साथ फिल्म में नजर आने वाला, उसी के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ किस नाम के साथ फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों विजय सेतुपति एज ए महाराजा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, यह बारवेर एंड ज्योतिष के अडेप्टर फादर रहते इस फिल्म में, उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप एज ए सेल्वम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर ज्योतिष के बायोलॉजिक फादर रहते इस फिल्म में, उसी रोल में आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं। ममता मोहनदास एज ए आसिफा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। नटराजन सुब्रमण्यम एज ए इंस्पेक्टर एस वर्धराजन का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभिरामी एज ए कोकिला श्री लक्ष्मी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। दिव्या भारती एज ए महाराज की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सिंगम पुली एज ए नल शिवम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अरुल दास एज ए SIRK पेरुमल स्वामी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुनिस्कंत एज ए कॉन्स्टेबल कुचिकंदई वेलू का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे।
सचना नमिदास एज ए ज्योति करोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे, जहां पर बेबी सिनिका एज ए बेबी ज्योति करके भी फिल्म में प्ले करते हुए उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। और विनोद सागर एज ए सबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहां पर सेल्वम्स के असिस्टेंट रहते हैं इसी के साथ आपको रोल में फिल्म में नजर आएंगे। मनिका नंदन एज ए धाना का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। कलयन एज ए काउंसलर करुण करण आपको उस रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। कल्कि एज ए पुलिस या थीफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पी एल तेनप्पन एज ए सलून ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सरवाना सुबिया एज ए इंस्पेक्टर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। वेट्रीवेल राजा एज ए कॉन्स्टेबल धनपाल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। भारतीय राजा एज ए गोपाल तट्टा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मोहन रामन एज ए डॉक्टर अंकल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पोवैयार एज ए सलून स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। लिजिया एंटोनी एज ए विक्टिमिंग ऑफ रोबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पोस्टर नंद कुमार एज ए स्कूल कॉरेस्पॉन्डेंट का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। श्री राजा रवि एज ए आसिफस के मदर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पिच्चे करण मूर्ति एज ए साइबर क्राइम स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। संगीता वी एज ए वरदराजसन के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सुपर गुड सुब्रमणी एज ए टॉय शॉप ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मल्लई आरसी एज ए टीप्स की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल इसी के साथ जितने भी मैंने आर्टिस्ट यानी कास्टिंग जिस रोल के साथ आपको मैंने बताई है इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों महाराजा फिल्म को वाज थिएट्रिकली रिलीजिंग की बात की है तो 14 जून 2024 के यानी इसी साल थिएटर्स पर रिलीज की गई थी, जहां पर आफ्टर फ्रॉम इट इज ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज इट इज आल्सो डब्ड एंड रिलीजिंग की इन तेलुगु में भी की गई थी। प्रेसेस स्क्रीन पर वाज हेल्ड टू डेज पे प्रोवेवर टू दी रिलीजिंग 12 जून पर भी हुई थी। इट इज वाज इनिशियली प्लान की गई थी मेकर्स ने रिलीज इन ये मई के मंथ में 2024 की एयर में, बट वाज लेटर वन ये सभी शिफ्ट की गई थी जून के मंथ में, जहां पर डू यू के अनसिपेक्टेड के रीजन के चलते द फिल्म की वाज प्रीमियम की गई थी लॉस एंगल्स की ऑन 28 जून पर, जहां पर 2024 की एयर पर एज एस्टी से वाज सेलेक्ट की गई थी एज अ वन ऑफ द क्लोजिंग नाइट सिलेक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर, जहां पर लॉस एंगल्स पर। तो इसी के साथ फिल्म को जो कि रिलीज की गई थी। साथ ही दोस्तों आप सभी जो फिल्म को देख पा रहे थे, जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों जब महाराजा फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो मतलब पॉजिटिव भी रिव्यूज़ मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है फिल्म को रिव्यूज़ मिली है। तो दोस्तों फिल्म को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसी के साथ रोटेन टोमेटोज की तरफ से 54% इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया, जो कि काफ़ी एवरेज है, बढ़िया है। गूगल यूजर्स की बात की जाए तो 80% इस फिल्म को लाइक्स मिली हुई है ऑडियंस के हाथ से, इस हिसाब से फिल्म को पसंद की गई थी। अब साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट है बहुत ही कम बजट पर, लो बजट पर फिल्म को बनाएगी, जहां पर 20 करोड़ रुपए में फिल्म को बनाएगी, जो कि डायरेक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए थे, मतलब जिस हिसाब से एक्टर था आर्टिस्ट था उसी हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगा के लगाई हुई है। अब वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 107 करोड़ रुपए में कमाई की, जो 107 करोड़ रुपए में कमाई की हुई है। सिर्फ सिनेमाथेटिकली बात की जाए या फिर जिस हिसाब से नेट कलेक्शन की बात की जाए उस हिसाब से फिल्म ने कमा करके दी है। तो दोस्तों इट इज़ हार्ड दी हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड एंड इमरजेस एज दी सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथिंग तमिल ऑफ 2024 की, जो कि फिल्म बन चुकी है, एक विजय सेतुपति की एक सुपरहिट फिल्म बनने में कामयाब रही, इसी हिसाब से फिल्म को नाम मिली हुई है। तो अब समझ सकते हैं फिल्म तो अभी चल ही रही है फिलहाल, देखते आगे जाके क्या कर पाती है, क्योंकि बहुत ही बड़े एक्टर को लिया गया, जो कि समझ सकते हैं साउथ इंडस्ट्री के एक्टर विजय सेतुपति और साथ ही कश्यप अनुराग, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो कुछ ना कुछ टक्कर देने में कामयाब रहेगी फिल्म। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ तक जो कि पहुँच पाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें, फिल्म के बारे में मैं अगर आपको थोड़े बहुत बात करूँ या फिर बताऊँ एक्टर एंड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जैसे कि विजय सेतुपति एक्टर आप समझ सकते कितने बड़े एक्टर हैं, तो उनका इस फिल्म में लाजवाब
परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने एक्टर जो इसमें एक्टिंग किए काफ़ी जो कि एकदम से एकदम लाजवाब किए हैं, जहां पर आपको पसंद आएगी उनकी एक्टिंग इस फिल्म में। जो वो एक सिंपल सा जो सलून मतलब चलाते उसमें उन्होंने जो एक पिता का जो रोल निभाया काफ़ी लाजवाब है। जो उनका पिता का जो जिस हिसाब से जो हद तक करना चाहिए, अगर उनके डॉटर को कोई नुकसान पहुंचाते तो वो किस हद तक जाना चाहिए, वो सभी इसमें काफ़ी एकदम से एकदम करके दिए हुए। जहाँ पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग, फाइटिंग सीन्स जिस हिसाब से किए हैं, तो काफ़ी मुझे तो गुजबम के साथ पसंद आई। अदरवाइज इस फिल्म में वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, जहाँ पर थोड़ा सा आउट से लेकर नेक्स्ट लेवल तक करके दिखाए। उनका इसमें जो बात करने का डायलॉग, जिस हिसाब से वो जो पूरा पावरफुल इग्नोर जो एंग्री मैन के साथ जिस हिसाब से डायलॉग्स मारते हैं, जहाँ पर वो मतलब एक चाकू लेके जिस हिसाब से कान में या फिर गर्दन में काट देते हैं, तो वो सीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डरावना लगेगी। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मुझे कहना कि वो से भी थोड़े बहुत पसंद आई। अदरवाइज और भी जैसे एक्टर की बात की, अनुराग कश्यप इस फिल्म में पूरे फिल्म में वो छा गए, वो पूरी फिल्म में उनका ज़्यादा नाम चल रहा है। उन्होंने बॉलीवुड समझ सकते हैं बॉलीवुड के है डायरेक्टर भी है और एक्टर इस फिल्म में करके दिए, तो वो बोलना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जो सेल्वम का जो रोल फिल्म में निभाया है, काफ़ी मुझे कहीं ना कहीं हद तक पसंद आई। उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं आपको सिंपल मैन के साथ नजर आएगी, बट वो जिस हिसाब से हर एक के साथ किस मतलब टाका बैठते, किस हिसाब से वो टक्कर लेते, वो सभी इसमें वो विजय सेतुपति का जो रोल निभाया महाराजा का, उनके साथ जिससे वो टक्कर देने में कामयाब रहते हैं, तो उनका एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आएगी आपको। कहीं ना कहीं वो चलने का स्टाइल, डायलॉग स्टाइल इसके साथ थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अलग लेवल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फिल्म की फर्स्ट हाफ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट उसके बाद 15-20 मिनट के साथ आपको फिल्म कहीं ना कहीं एंगेजिंग रखेगी, वहीं पर बोरिंग थोड़े बहुत लग सकती है। बट सेकेंड हाफ के बाद इंटरवल में जो विजय सेतुपति असली रूप में आते हैं, जहाँ पर वो उनकी डॉटर के साथ वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, बट उनका लाइफ में कोई टॉर्चर कर देता है, उसके बाद वो असली मुद्दा पे आते हैं, फिर वो असली चेहरा उनके देखने के बाद आपको वो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगी किस हद तक वो करके किस मतलब लेवल तक गुजर जाते हैं, किस लेवल तक हद तक चले जाते हैं। वो पागल हो जाते हैं, वो हर एक विलन को मारने के लिए चुन चुन के मारते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाफ में देखने में एंगेजिंग बना के रखेगी। कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ अगर आप एक्शन थ्रिलर सस्पेंस के साथ फिल्म देखते हो तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत डिले लगेगी, सेकेंड हाफ के बाद टाइट पूरी फिल्म बांधे रखती है। उसके बाद फिल्म की बीजीएम थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर करनी पड़ेगी, उतनी खास नहीं है फिल्म के हिसाब से, ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर भी अव्वल लेवल तक देखने को मिलती है। सिनेमेटोग्राफिक जो शूटिंग के लेवल में जिस हिसाब से होना चाहिए था, वो थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा कर सकते थे। एक्शन सीक्वेंस तो आपको पूछना ही नहीं पड़ेगी, जब तक असली रूप में जब आते हैं विजय सेतुपति, वही ना वही आपको उनकी एक्शन सीक्वेंस पसंद आएगी। ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर के डायरेक्शनल, जो उन्होंने एक सलून के ऊपर जिस तरह से वो एक डॉटर के साथ एक वाइफ के साथ लाइफ किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जीते हैं, वो लाइफ बताई गई है। उसके बाद उनके लाइफ में कोई टॉर्चर कर देते हैं, मतलब उनका लाइफ अच्छा खासा मतलब सिंपल लाइफ जीते हुए उनकी लाइफ में कोई मतलब घुस के उनकी लाइफ बिगाड़ देते हैं, पूरी परिवार बिगाड़ देते हैं, फिर वो उनकी परिवार जोड़ने में लगे रहते, तो उस भी डायरेक्टर का जो काम है अव्वल लेवल है। मुझे कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा करके दिए हुए, तो उनका काम मुझे कहीं ना कहीं पसंद आई। और स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आते, टाइट नहीं है उतना। फोटोग्राफी और थोड़ा बहुत चीज़ें जो शूटिंग लेवल में जहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं और मतलब कहीं ना कहीं उनका काम मेहनत रह सकता था, प्लॉट ठीक था, स्क्रीन उतना खास नहीं है, वो सभी ढीले नज़र आती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत टाइम लेती है, तो ये सभी चीज़ में अगर आप इग्नोर करोगे, अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म विजय सेतुपति की देखना चाहते हो, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो और उनकी फिल्म देखते हो सभी के सभी ओवरऑल, तो ये फिल्म भी आप ज़रूर वॉच करोगे मेरे ख्याल से, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो तो मुझे पता है। अदरवाइज नहीं है तो आप वन टाइम इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अपने हिसाब से
कर सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि OTT के नेटफ्लिक्स पर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन के साथ तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि तेलुगु डब्ड वर्जन, कन्नाडा डब्ड वर्जन, मलयालम डब्ड वर्जन एंड हिंदी डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को देख पाओगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, विदाउट सब्सक्रिप्शन आप फिल्म को देख नहीं पाएंगे, मतलब कि आपको फिल्म देखने के लिए रेंट पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म को फ्री में वॉच नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस तरह से फिल्म को देखना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों तमिल लैंग्वेज की सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो स्टार विजय सैटेलाइट राइट्स टीवी टेलीविजन के ऊपर प्रीमियम मुतवन नजर आएगा, जहां पर महाराजा नाम के साथ आप इस फिल्म को देख पाओगे। इस तरह से सैटेलाइट राइट्स में आप देख सकते हो। तमिल वर्जन की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन की दबाना मत भूलिए। नहीं तो फिल्म से जुड़ी साउथ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, जो भी जिस तरह से फिल्म से आपको एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, रिव्यू, जो भी जानकारी है आपको मिलने पाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आपको मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, किस तरह से क्या रखा गया, किस तरह से क्या हुआ था, जो भी जानकारी आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आफ्टर दी सक्सेस फिल्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुरंगु बम्बई 2017 में जो फिल्म आई थी उसके सक्सेस के बाद नितिलन स्वामीनाथन सर जो कि डायरेक्टर साइन किए थे, जो सुधान सुंदरमंस के पैशन स्टूडियोज पे उसके अंदर ही फिल्म बनाई जाएगी, जहाँ पर जो दे नेक्स्ट डायरेक्शनल अंडर जो विच प्रोडक्शन पे हॉविंग द प्रोजेक्ट वाज ए डेवलपमेंट हिल फॉर सेल्वरर यूवर जो डू अननोन्स रीजन के चलते, जहाँ पर नितिलन देन नरेटेड द स्क्रिप्ट टू जी धनजान हु सजेस्टेड किए थे टू द डायरेक्टर दैट ही सोल्ड नरेटेड इट टू विजय एंटोनी विच ही इड एंड इम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर द एक्टर नितिलन ओवर एंड टू रिसीव ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम सुंदरस की प्रोडक्शन के चलते हाउस पर, जहाँ पर द फिल्म द कंपनी वॉज हवर नॉट इन द फेवर ऑफ पासिंग द प्रोजेक्ट टू अनदर हाउस दियर फॉर दी फोर नॉट गिविंग द NOC सोन आफ्टर द कंपनी देन stated that the we hold narrated the script to Vijay Sethupathi and if a tennis beginning part of the film they we hold pass the project. सेतुपति हु वॉज इम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर स्क्रिप्ट उनको जो सुनाई थी उसके बाद वो एग्री हुए थे बी पार्ट ऑफ द फिल्म की, लीडिंग टू हिम रिप्लेस उनकी जगह पे किए थे, जहाँ पर एंटोनी सुंदरस की जगह उनको लिया गया था। कंपनी मेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी, जहाँ पर 1 फरवरी के मंथ पे, जहाँ पर 2023 के ईयर में, जहाँ पर कन्फर्म हुई थी द प्रोजेक्ट विल्ड जो कि सिग्निफाई एज सेतुपति को जो 15th फिल्म्स आल्सो हुई कि जहाँ पर लीड एक्टर 20 टाइटल जो कि VJS 15 प्रिंसिपल फोटोग्राफी वेगन शॉर्टली आफ्टर यह मुहूर्त पूजा फिल्म के लिए रखा गया था। हेल्ड सेम डे पर ही ये द फिल्म की स्टूडियो इन द चेन्नई विथ प्रेजेंस ऑफ द फिल्म्स की कास्ट ऑफ एंड क्र्यू जगदीश पलनस्वामी दी रूट इन थिंक स्टूडियोज लेटर वन ज्वाइन किए थे एज ए को प्रोड्यूसर इन अर्ली अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर सुंदरम स्टार्ट की गई थी द 50 of 85 फिल्मिंग डेज पर जो कि वेयर कंप्लीट हुई थी एंड ओनली देन डेज की बात के रिमाइंडिंग करके फॉर सेतुपति 1/12 के डेट पर, जहाँ पर जुलाई के मंथ में एडिक्शन टू द प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैपिंग करके द फिल्म की ऑफिशियल टाइटल महाराजा रखा गया था वाज अनाउंसमेंट की गई थी बाय द प्रोडक्शन हाउस पे। इसी तरह बात हुई थी अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास एंड नटराजन सुब्रमण्यम वाज अनाउंसमेंट की गई थी प्ले के जो इसी द लीड रोल पे नजर आएंगे एलोंग साइड सेतुपति, दिव्या भारतीय, अभिरमणि, अरुल दास, मुनिस्कंत, मणिकनंदन सिंगम पुली, भरती राजा, विनोद सागर एंड PL तेनपल विल अपीयर इन द सपोर्टिंग रोल्स पे। डबिंग वर्क्स वेयर
कंप्लीट की गई थी, जहाँ पर 31 की डेट पे दिसंबर के मंथ में 2023 के ईयर में। तो इसी तरह प्रोडक्शन की जितने भी बातें हैं, जो भी जितने भी जानकारी है बताई जा रही है। तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की जो भी बातें हैं, जैसे बात जानकारी है, जो भी जितने भी जानकारी या फिर बात की जाए, तो उससे भी मतलब यहाँ पर मेकर्स ने अनहाइड करके रखे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च की हुई तो उस भी जानकारी मिल नहीं पाई है। अदरवाइज आगे देखते आने वाले समय पर उसकी भी कुछ होती है तो आपको जानकारी देने मतलब कोशिश करूंगा कि मिल पाए आपको। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह जो भी बातें हुई है। अब दोस्तों आखिर में फिल्म का प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो, कहानी कह लो, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा किस तरह से क्या रखा गया, कौन सी प्लॉट के साथ। तो दोस्तों महाराजा एक शांत व्यक्ति है जो चेन्नई में, जो कि रामा की सलून में नाई का रूप में काम करता है। एक दिन एक ट्रक उसके घर से टकरा गया जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी पति ज्योति तब बच जाती है जब एक पौधे ने कण गलती से गिर जाता है और उसे जो कि ढाक देता है। महाराजा और ज्योति श्रीनिवास पौधे कण का नाम लक्ष्मी रखती हैं। तो कहानी में दोस्तों आगे यही बताई गई, एक सिंपल सा लाइफ, जो एक सीधा साधा इंसान महाराजा लाइफ में, जो कि वो फिल्म में दिखाया गया जीता है, मतलब विजय सेतुपति महाराजा का रोल निभाते, तो वो एक सिंपल सा सलून का मतलब लाइफ अच्छी खासी गुजारते हैं। बट एक दिन अचानक एक ट्रक उनके घर पे जो कि टकरा जाता है, उसके बाद पूरी लाइफ उनकी बदल जाती है एकदम से। वही फिल्म के बाद उसके बाद असली जो ट्विस्ट और टर्न है किस तरह से क्या आती है, वही फिल्म की कहानी पूरी बनाती है। तो आखिर तक वही आपको पता चलने वाली है किस तरह से क्या वो फिर महाराजा हर एक के साथ लड़ता है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वही फिल्म की देखने में आपको पता चलेगी। तो दोस्तों महाराजा साल 2024 की एयर में यानी इसी साल रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए नितिलन स्वामीनंदन सर ने। सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी उनका ही रहा, स्टोरी आइडिया भी इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है। डायलॉग्स की बात की जाए तो नितिलन स्वामीनंदन सर के अलावा जैसे कि उनके लिए डायलॉग्स में मदद किए हुए राम मुरलेश्वर ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में उनका ही, हम सभी को स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है, स्क्रीन प्ले भी उनका ही रहा। और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सुंदरम सर की अलावा जैसे कि जगदीश पलन स्वामी सर की इस फिल्म में हम सभी को प्रोड्यूसर का काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि इस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए। अब स्टार्टिंग लीड कास्ट की फिल्म की बात की जाए तो विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप, ममता मंदास इस फिल्म में हम सबको स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है। दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिनेश पुरुषोत्तम का इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक हम सबको इस फिल्म में देखने को मिलता है, यानी इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक का जो काम है उन्होंने संभाले हुए थे, पूरी उन्होंने सिनेमेटोग्राफिक करके दिए हुए, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो कि एक एडिशन बोल सकते हैं, एक एक्सलेंट जो कि सिनेमेटोग्राफिकर है, वहीं पर फिल्म जो कि फिलोनियम राज का इस फिल्म में एडिटिंग का जो काम है उन्होंने करके दिए हुए, जो कि काफ़ी एडिटर, बहुत ही बड़े एडिटर हैं। इसके अलावा जहां पर उन्होंने 141 मिनट का रन टाइम दिए थे इस फिल्म में, यानी कि 2 घंटा 21 मिनट की पूरी फिल्म है। अगर हम बात करें तो काफ़ी रन टाइम फिल्म के लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म देखते हो तो उस हिसाब से रन टाइम ज़्यादा नहीं है, जो कि बेहतरीन है। अदरवाइज थोड़े बहुत आपको बोरिंग जो सीन्स है, जो टाइम है, वो आपको छाट वट कर दिए हुए, तो काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग डाला गया। तो इसी के साथ दोस्तों रन टाइम जो कि डेफिनेटली इतने रन टाइम के साथ आप 2 घंटा 21 मिनट में जो कि इस फिल्म को देख पाओ, यानी आप और हम इसी के साथ हम रन टाइम के साथ फिल्म को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बी अजनेस लोकंत सर की इस फिल्म में जो कि उनका म्यूजिक और साउंड ट्रैक एल्बम इस फिल्म में जो कि हम सभी को सुनने को मिलेगी, जहां पर कंपोजिंग उनका ही रहा, अदरवाइज बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म में उनका ही सुनने को मिलती है, सॉन्ग सुनने की मिलती है। यार दोस्तों अगर हम सभी साथी म्यूजिकल डिपार्टमेंट या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से कैसा रखा गया है, और आप सुन चुके हैं तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज अगर आप नहीं सुन चुके हैं तो सुनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेलिंग के साथ आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्या कौन से टाइटल के साथ रखा गया था।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर अजनेश लोकंत सर जो कि 2024 की ईयर में जो युवा फिल्म में आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग रहा, काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज 2024 में फिर एक जो वामना जो फिल्म आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग लिया गया था। तो काफ़ी जो कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े सिंगर जो कि सिंगर्स के जो मतलब संभाले हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया है, तो उनका ही सुनने को मिलती है। अब दोस्तों सिंगल्स की बात की जाए तो वैसे तो मैं आपको बता दूं किस तरह से क्या रिलीज की गई थी, तो कोलेब्रेशन उनके साथ ही हुआ था। अब फर्स्ट सिंगल की टाइटल की बात की जाए तो उसके साथ सेतुपति सर की सेकंड कोलेब्रेशन हुई थी, जहां पर समिनंत आफ्टर कुरंगु बम्बई जो फिल्म आई थी उसके बाद फोर्थ फिल्म जो उसकी उनके साथ जो हुआ था कोलेब्रेशन जो कि कुरंगा बम्बई फिल्म 2017 में आई थी। फिर रिची एंड जो कि नमीर 2018 में उस फिल्म में भी उनका रहा, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी फिल्म में इनके साथ कोलैबोरेशन हुई है। अब फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किए तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है उस सॉन्ग को सिद्ध श्रीम एंड सर ने मतलब राइट दिए हुए थे, यानी वायरमंतु सर ने भी उसको गाए हुए, जहाँ पर 7 जून 2024 की ईयर में रिलीज़ की गई थी। इसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल की बात किए तो राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज की बात की जाए तो 15 जून 2024 के साल में रिलीज़ की गई थी, यानी इसी साल आफ्टर द फिल्म्स की रिलीजिंग सॉन्ग्स इसी तरह रिलीज़ की गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सभी जो तमिल सॉन्ग का मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तमिल सॉन्ग में ऐसे भी सॉन्ग सुनने को मिलती है, अदरवाइज अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो जंगली म्यूजिक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो इस तरह से जाके पूरी सॉन्ग्स को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं टाइटल लेंथ के साथ बात करूं तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है, पहला सॉन्ग का टाइटल, उसको वायरमंतु सिद्ध श्रीम जो कि श्रीमम सर ने लिरिक्स दिए थे, यानी सिंगिंग किए थे श्रीमम सिद्ध सर ने। और लेंथ की बात की जाए तो 3 मिनट 8 सेकंड की लेंथ के साथ सॉन्ग को सुनने को मिलती है। वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको वायरमंतु सर ने लिरिक्स दिए थे। अब सिंगर की बात किया तो जितिन राज आर्षिका देवनाथ जो कि सिंगर ने गाए हुए, तो काफ़ी तीन सिंगर मिलकर तो समझ सकते कितने बड़े बड़े सिंगर को लिया गया था इस सॉन्ग को, जहाँ पर 4 मिनट 5 सेकंड की लेंथ के साथ आप सॉन्ग को भी इंजॉय कर पाओगे। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 7 मिनट 13 सेकंड के साथ आप पूरी सॉन्ग्स को इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, मतलब कौन से कंपनी के अंडर ये बनाई गई थी इस फिल्म को, तो द रोड थिंग्स स्टूडियोज पैसन स्टूडियोज के अंडर इस फिल्म को बनाई गई, जो कि बैनर के नीचे इस फिल्म को काफ़ी अच्छी खासी जो कि प्रोडक्शन कंपनी है। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो NVR सिनेमास के उनकी ओर से कंप्लीट करवाई गई डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की जाए, मतलब कौन से एक्टर एक्ट्रेस आर्टिस्ट किस रोल के साथ फिल्म में नजर आने वाला, उसी के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ किस नाम के साथ फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों विजय सेतुपति एज ए महाराजा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। यह बारबर एंड ज्योतिष के अडेप्टर फादर रहते इस फिल्म में, उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप एज ए सेल्वम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर ज्योतिष के बायोलॉजिक फादर रहते इस फिल्म में, उसी रोल में आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं। ममता मोहनदास एज ए आसिफा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। नटराजन सुब्रमण्यम एज ए इंस्पेक्टर एस वर्धराजन का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभिरामी एज ए कोकिला श्री लक्ष्मी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। दिव्या भारती एज ए महाराज की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सिंगम पुली एज ए नल शिवम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अरुल दास एज ए SIRK पेरुमल स्वामी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुनिस्कंत एज ए कॉन्स्टेबल कुचिकंदई वेलू का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सचना नमिदास एज ए ज्योति का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर बेबी सिनिका एज ए बेबी ज्योति करके भी फिल्म में प्ले करते हुए उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। और विनोद सागर एज ए सबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर सेल्वम्स के असिस्टेंट रहते हैं इसी के साथ आपको रोल में फिल्म में नजर आएंगे। मनिका नंदन एज ए धाना का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। कलयन एज ए काउंसलर करुणाकरन आपको उस रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। कल्कि एज ए पोलिस या थीफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। PL तेनप्पन एज ए सलून ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सर्वाना सुबिया एज ए इंस्पेक्टर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। वेट्रीवेल राजा एज ए कॉन्स्टेबल धनपाल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं।
भारतीय राजा एज ए गोपाल तट्टा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मोहन रामन एज ए डॉक्टर अंकल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पोवैयार एज ए सलून स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। लिजिया एंटोनी एज ए विक्टिमिंग ऑफ रोबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पोस्टर नंद कुमार एज ए स्कूल कॉरेस्पॉन्डेंट का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। श्री राजा रवि एज ए आसिफस के मदर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पिच्चे करण मूर्ति एज ए साइबर क्राइम स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। संगीता वी एज ए वरदराजसन के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सुपर गुड सुब्रमणी एज ए टॉय शॉप ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मल्लई आरसी एज ए टिप्स की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल इसी के साथ जितने भी मैंने आर्टिस्ट यानी कास्टिंग जिस रोल के साथ आपको मैंने बताई है, इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, महाराजा फिल्म को वाजे थिएटरिकली रिलीजिंग की बात की है तो 14 जून 2024 के यानी इसी साल थिएटर्स पर रिलीज की गई थी, जहां पर आफ्टर फ्रॉम इट इज ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज इट इज आल्सो डब्ड एंड रिलीजिंग की इन तेलुगु में भी की गई थी। प्रेसेस स्क्रीन पर वाजे हेल्ड 2 डेज पे प्रोवेवर टू दी रिलीजिंग 12 जून पर भी हुई थी। इट इज वाज इनिशियली प्लान की गई थी मेकर्स ने रिलीज इन ये मई के मंथ में 2024 की एयर में, बट वाज लेटर वन ये सभी शिफ्ट की गई थी जून के मंथ में, जहां पर डू यू के अनसिपेक्टेड के रीजन के चलते द फिल्म्स की वाज प्रीमियम की गई थी लॉस एंगल्स की ऑन 28 जून पर, जहां पर 2024 की एयर पर एज ए वाज सेलेक्ट की गई थी एज वन ऑफ द क्लोजिंग नाइट सिलेक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर, जहां पर लॉस एंगल्स पर। तो इसी के साथ फिल्म को जो कि रिलीज की गई थी। साथ ही दोस्तों, आप सभी जो फिल्म को देख पा रहे थे, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, जब महाराजा फिल्म को थिएटरिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो मतलब पॉजिटिव भी रिव्यूज मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है फिल्म को रिव्यूज मिली है। तो दोस्तों, फिल्म को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसी के साथ रोटेन टोमेटोज की तरफ से 54% इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया, जो कि काफ़ी एवरेज है, बढ़िया है। गूगल रिव्यूज की बात की जाए तो 80% इस फिल्म को लाइक्स मिली हुई है ऑडियंस के हद से, इस हिसाब से फिल्म को पसंद की गई थी। अब साथ ही दोस्तों, फिल्म का बजट है बहुत ही कम बजट पर, लो बजट पर फिल्म को बनाई गई, जहाँ पर 20 करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई, जो कि डायरेक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए थे। मतलब जिस हिसाब से एक्टर था, आर्टिस्ट था, उसी हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगा के लगाई हुई है। अब वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 107 करोड़ रुपए में कमाई की, जो कि 107 करोड़ रुपए में कमाई की हुई है। सिर्फ सिनेमाथेटिकली बात की जाए या फिर जिस हिसाब से नेट कलेक्शन की बात की जाए, उसी हिसाब से फिल्म ने कमा करके दी है। तो दोस्तों, इट इज़ ए हार्ड दी हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड एंड इमरजेस एज दी सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथिंग तमिल ऑफ 2024 की, जो कि फिल्म बन चुकी है, एक विजय सेतुपति की एक सुपरहिट फिल्म बनने में कामयाब रही, इसी हिसाब से फिल्म को नाम मिली हुई है। तो अब समझ सकते हैं, फिल्म तो अभी चल ही रही है फिलहाल, देखते हैं आगे जाके क्या कर पाती है, क्योंकि बहुत ही बड़े एक्टर को लिया गया, जो कि समझ सकते हैं साउथ इंडस्ट्री के एक्टर विजय सेतुपति और साथ ही कश्यप अनुराग, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो कुछ ना कुछ टक्कर देने में कामयाब रहेगी फिल्म। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ तक जो कि पहुँच पाती है। दोस्तों, फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें, फिल्म के बारे में मैं अगर आपको थोड़े बहुत बात करूँ या फिर बताऊँ एक्टर एंड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जैसे कि विजय सेतुपति एक्टर, आप समझ सकते हैं कितने बड़े एक्टर हैं, तो उनका इस फिल्म में लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने एक्टर जो इसमें एक्टिंग किए काफ़ी, जो कि एकदम से एकदम लाजवाब किए हैं, जहां पर आपको पसंद आएगी उनकी एक्टिंग इस फिल्म में। जो वो एक सिंपल सा जो सलून मतलब चलाते हैं, उसमें उन्होंने जो एक पिता का जो रोल निभाया काफ़ी लाजवाब है, जो उनका पिता का जो जिस हिसाब से जो हद तक करना चाहिए, अगर उनके डॉटर को कोई नुकसान पहुंचाते तो वो किस हद तक जाना चाहिए, वो सभी इसमें काफ़ी एकदम से एकदम करके दिए हुए, जहां पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग, फाइटिंग सीन्स जिस हिसाब से किए हैं, तो काफ़ी मुझे तो गुजबम के साथ पसंद आई। अदरवाइज इस फिल्म में वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, जहाँ पर थोड़ा सा आउट से लेकर नेक्स्ट लेवल तक करके दिखाए। उनका इसमें जो बात करने का डायलॉग, जिस हिसाब से वो जो
पूरा पावरफुल इग्नोर जो एंग्री मैन के साथ जिस हिसाब से डायलॉग्स मारते हैं, जहाँ पर वो मतलब एक चाकू लेके जिस हिसाब से कान में या फिर गर्दन में काट देते, तो वो सीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डरावना लगेगी। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मुझे कहीं ना कहीं उसे भी थोड़े बहुत पसंद आई। अदरवाइज और भी जैसे एक्टर की बात की, अनुराग कश्यप इस फिल्म में, पूरे फिल्म में वो छा गए, वो पूरी फिल्म में उनका ज़्यादा नाम चल रहा है। उन्होंने बॉलीवुड समझ सकते हैं, बॉलीवुड के है डायरेक्टर भी है और एक्टर इस फिल्म में करके दिए, तो वो बोलना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जो सेल्वम का जो रोल फिल्म में निभाया है, काफ़ी मुझे कहीं ना कहीं हद तक पसंद आई। उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं आपको सिंपल मैन के साथ नजर आएगी, बट वो जिस हिसाब से हर एक के साथ किस मतलब टाका बैठते, किस हिसाब से वो टक्कर लेते, वो सभी इसमें वो विजय सेतुपति का जो रोल निभाया महाराजा का, उनके साथ जिससे वो टक्कर देने में कामयाब रहते हैं, तो उनका एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आएगी आपको। कहीं ना कहीं वो चलने का स्टाइल, डायलॉग स्टाइल, इसके साथ थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अलग लेवल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फिल्म की फर्स्ट हाफ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट, उसके बाद 15-20 मिनट के साथ आपको फिल्म कहीं ना कहीं एंगेजिंग रखेगी, वहीं पर बोरिंग थोड़े बहुत लग सकती है। बट सेकेंड हाफ के बाद इंटरवल में जो विजय सेतुपति असली रूप में आते हैं, जहाँ पर वो उनकी डॉटर के साथ वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, बट उनका लाइफ में कोई टॉर्चर कर देता है, उसके बाद वो असली मुद्दा पे आते हैं, फिर वो असली चेहरा उनके देखने के बाद आपको वो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगी किस हद तक वो करके किस मतलब लेवल तक गुजर जाते हैं, किस लेवल तक हद तक चले जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो हर एक विलन को मारने के लिए चुन चुन के मारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाफ में देखने में एंगेजिंग बना के रखेगी, कहीं ना कहीं वो सभी चीज़। अगर आप एक्शन थ्रिलर सस्पेंस के साथ फिल्म देखते हो तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत डिले लगेगी, सेकेंड हाफ के बाद टाइट पूरी फिल्म बांधे रखती है। उसके बाद फिल्म की बीजीएम थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर करनी पड़ेगी, उतनी खास नहीं है, फिल्म के हिसाब से ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर भी अव्वल लेवल तक देखने को मिलती है। सिनेमेटोग्राफिक जो शूटिंग के लेवल में जिस हिसाब से होना चाहिए था, वो थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा कर सकते थे। एक्शन सीक्वेंस तो आपको पूछना ही नहीं पड़ेगी, जब तक असली रूप में जब आते हैं विजय सेतुपति, वही ना वही आपको उनकी एक्शन सीक्वेंस पसंद आएगी। ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की डायरेक्शनल, जो उन्होंने एक सलून के ऊपर जिस तरह से वो एक डॉटर के साथ, एक वाइफ के साथ लाइफ किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जीते हैं, वो लाइफ बताई गई है। उसके बाद उनके लाइफ में कोई टॉर्चर कर देते हैं, मतलब उनका लाइफ अच्छा खासा सिंपल लाइफ जीते हुए उनकी लाइफ में कोई मतलब घुस के उनकी लाइफ बिगाड़ देते हैं, पूरी परिवार बिगाड़ देते हैं, फिर वो उनकी परिवार जोड़ने में लगे रहते, तो उस भी डायरेक्टर का जो काम है अव्वल लेवल है। मुझे कहना कि इनकी डायरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा करके दिए हुए, तो उनका काम मुझे कहना कि पसंद आई। और स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आते, टाइट नहीं है उतना, फोटोग्राफी और थोड़ा बहुत चीज़ें जो शूटिंग लेवल में जहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं और मतलब कहीं ना कहीं उनका काम मेहनत रह सकता था, प्लॉट ठीक था, स्क्रीन उतना खास नहीं है, वो सभी ढीले नज़र आती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत टाइम लेती है। तो ये सभी चीज़ में अगर आप इग्नोर करोगे, अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म विजय सेतुपति की देखना चाहते हो, अगर आप उनकी डाई हार्ड फैन हो और उनकी फिल्म देखते हो सभी के सभी ओवरऑल, तो ये फिल्म भी आप ज़रूर वॉच करोगे मेरे ख्याल से, अगर आप उनके डायट फैन हो तो मुझे पता है। अदरवाइज नहीं है तो आप वन टाइम इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे, मैं आप सभी को बता दूं कि OTT के नेटफ्लिक्स पर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन के साथ तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि तेलुगु डब्ड वर्जन, कन्नाडा डब्ड वर्जन, मलयालम डब्ड वर्जन एंड हिंदी डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को देख पाओगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, विदाउट सब्सक्रिप्शन आप फिल्म को देख नहीं पाएंगे, मतलब कि आपको फिल्म देखने के लिए रेंट पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म को फ्री में वॉच नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस तरह से फिल्म को देखना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों तमिल लैंग्वेज की सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो स्टार विजय सैटेलाइट राइट्स टीवी टेलीविजन के ऊपर,
प्रीमियम होता हुआ नजर आएगा, जहां पर महाराजा नाम के साथ आप इस फिल्म को देख पाओगे। इस तरह से सैटेलाइट एड्रेस में आप देख सकते हो। तमिल वर्जन की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन की दबाना मत भूलिए। नहीं तो फिल्म से जुड़ी साउथ फिल्म्स, बॉलीवुड फिल्म्स, जो भी जिस तरह से फिल्म से आपको एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, रिव्यू, जो भी जानकारी है आपको मिल नहीं पाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आपको मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, किस तरह से क्या रखा गया, किस तरह से क्या हुआ था, जो भी जानकारी आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आफ्टर दी सक्सेस फिल्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुरंगु बम्बई 2017 में जो फिल्म आई थी उसके सक्सेस के बाद नितिलन स्वामीनाथन सर जो कि डायरेक्टर साइन किए थे, जो सुधान सुंदरमंस के पैशन स्टूडियोज पे उसके अंदर ही फिल्म बनाई जाएगी, जहाँ पर डायरेक्ट जो दे नेक्स्ट डायरेक्शनल अंडर जो विच प्रोडक्शन पे हॉविंग द प्रोजेक्ट वाज ए डेवलपमेंट हिल फॉर सेल्वरर यूवर जो डू अननोन्स रीजन के चलते, जहाँ पर नितिलन देन नरेटेड द स्क्रिप्ट टू जी धनजान हु सजेस्टेड किए थे टू द डायरेक्टर दैट ही सोल्ड नरेटेड इट टू विजय एंटोनी विच ही इड एंड एम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर द एक्टर नितिलन ओवर एंड टू रिसीव ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम सुंदरस की प्रोडक्शन के चलते हाउस पर, जहाँ पर द फिल्म द कंपनी वॉज हवर नॉट इन द फेवर ऑफ पासिंग द प्रोजेक्ट टू अनदर हाउस दियर फॉर दी फोर नॉट गिविंग द NOC सोन आफ्टर द कंपनी देन स्टेटेड दैट दी वी होल्ड नारेटेड द स्क्रिप्ट टू विजय सेतुपति एंड इफ ये टेनिस बिगिंग पार्ट ऑफ द फिल्म द वी होल्ड पास द प्रोजेक्ट। सेतुपति हु वॉज इम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर स्क्रिप्ट उनको जो सुनाई थी उसके बाद वो एग्री हुए थे बी पार्ट ऑफ द फिल्म की, लीडिंग टू हिम रिप्लेस उनकी जगह पे किए थे, जहाँ पर एंटोनी सुंदरस की जगह उनको लिया गया था। कंपनी मेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी, जहाँ पर 1 फरवरी के मंथ पे, जहाँ पर 2023 के ईयर में, जहाँ पर कंफर्म हुई थी द प्रोजेक्ट विल्ड जो कि सिग्निफाई एज सेतुपति को जो 15th फिल्म्स आल्सो हुई कि, जहाँ पर लीड एक्टर 2020 टाइटल जो कि VJS 15 प्रिंसिपल फोटोग्राफी वेगन शॉर्टली आफ्टर यह मुहूर्त पूजा फिल्म के लिए रखा गया था। हेल्ड ये सेम डे पर ही आर्ट ये द फिल्म की स्टूडियो इन द चेन्नई विथ प्रेजेंस ऑफ द फिल्म्स की कास्ट ऑफ एंड क्रू जगदीश पलनस्वामी द रूट इन थिंक स्टूडियोज लेटर वन ज्वाइन किए थे एज ए को प्रोड्यूसर इन अर्ली अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर सुंदरम स्टार्ट की गई थी द 50 of 85 फिल्मिंग डेज पर जो कि वेयर कंप्लीट हुई थी एंड ओनली देन डेज की बात के रिमाइंडिंग करके फॉर सेतुपति 1/12 के डेट पर, जहाँ पर जुलाई के मंथ में एडिक्शन टू द प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैपिंग करके द फिल्म्स की ऑफिशियल टाइटल महाराजा रखा गया था वाज अनाउंसमेंट की गई थी बाय द प्रोडक्शन हाउस पर। इसी तरह बात हुई थी अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास एंड नटराजन सुब्रमण्यम वाज अनाउंसमेंट की गई थी प्ले के जो इसी लीड रोल पे नजर आएंगे एलोंग साइड सेतुपति, दिव्या भारती, अभिरमणि, अरुल दास, मुनिस्कंत, मणिकनंदन, सिंगम पुली, भरती राजा, विनोद सागर एंड PL तेनपल विल अपीयर में इन द सपोर्टिंग रोल्स पे। डबिंग वर्क्स वेयर कंप्लीट की गई थी जहाँ पर 31 की डेट पे दिसंबर के मंथ में 2023 के ईयर में। तो इसी तरह प्रोडक्शन की जितने भी बातें हैं, जो भी जितने भी जानकारी है बताई जा रही है। तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की जो भी बात ही है, जैसे बात जानकारी है, जो भी जितने भी जानकारी या फिर बात की जाए तो उससे भी मतलब यहाँ पर मेकर्स ने अनहाइड करके रखे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च की हुई तो उस भी जानकारी मिल नहीं पाई है। अदरवाइज आगे देखते आने वाले समय पर उसकी भी कुछ होती है तो आपको जानकारी देने मतलब कोशिश करूंगा कि मिल पाए आपको। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह जो भी बातें हुई है। अब दोस्तों आखिर में फिल्म का प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो, कहानी कह लो, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा किस तरह से क्या रखा गया, कौन सी प्लॉट के साथ। तो दोस्तों महाराजा एक शांत व्यक्ति है जो चेन्नई में
जो कि रामा की सलून में नाई का रूप में काम करता है। एक दिन एक ट्रक उसके घर से टकरा गया जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी पति ज्योति तब बच जाती है जब एक पौधे ने कण गलती से गिर जाता है और उसे जो कि ढाक देता है। महाराजा और ज्योति श्रीनिवास को देने कन का नाम लक्ष्मी रखती हैं। तो कहानी में दोस्तों आगे यही बताई गई, एक सिंपल सा लाइफ, जो एक सीधा साधा इंसान महाराजा लाइफ में, जो कि वो फिल्म में दिखाया गया जीता है, मतलब विजय सेतुपति महाराजा का रोल निभाते, तो वो एक सिंपल सा सलून का मतलब लाइफ अच्छी खासी गुजारते हैं। बट एक दिन अचानक एक ट्रक उनके घर पे जो कि टकरा जाता है, उसके बाद पूरी लाइफ उनकी बदल जाती है एकदम से। वही फिल्म के बाद उसके बाद असली जो ट्विस्ट और टर्न है किस तरह से क्या आती है, वही फिल्म की कहानी पूरी बनाती है। तो आखिर तक वही आपको पता चलने वाली है किस तरह से क्या वो फिर महाराजा हर एक के साथ लड़ता है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वही फिल्म की देखने में आपको पता चलेगी। तो दोस्तों महाराजा साल 2024 की एयर में यानी इसी साल रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए नितिलन स्वामीनाथन सर ने, सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी उनका ही रहा, स्टोरी आइडिया भी इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है। डायलॉग्स की बात की जाए तो नितिलन स्वामीनाथन सर के अलावा जैसे कि उनके लिए डायलॉग्स में मदद किए हुए राम मुरलेश्वर ने, इसके अलावा स्क्रीन प्ले में उनका ही हम सभी को स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है, स्क्रीन प्ले भी उनका ही रहा। और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सुंदरम सर की अलावा जैसे कि जगदीश पलन स्वामी सर की इस फिल्म में हम सभी को प्रोड्यूसर का काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि इस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए। अब स्टार्टिंग लीड कास्ट की फिल्म की बात की जाए तो विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप, ममता मंदास इस फिल्म में हम सभी को स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है। दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिनेश पुरुषोत्तम का इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलता है, यानी इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफिक का जो काम है उन्होंने संभाले हुए थे, पूरी उन्होंने सिनेमेटोग्राफिक करके दिए हुए, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो कि एक एडिशन बोल सकते हैं, एक एक्सलेंट जो कि सिनेमेटोग्राफिकर है, वहीं पर फिल्म जो कि फिलोनियम राज का इस फिल्म में एडिटिंग का जो काम है उन्होंने करके दिए हुए, जो कि काफ़ी एडिटर बहुत ही बड़े एडिटर हैं। इसके अलावा जहां पर उन्होंने 141 मिनट का रन टाइम दिए थे इस फिल्म में, यानी कि 2 घंटा 21 मिनट की पूरी फिल्म है। अगर हम बात करें तो काफ़ी रन टाइम फिल्म के लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस फिल्म देखते हो तो उस हिसाब से रन टाइम ज़्यादा नहीं है, जो कि बेहतरीन है। अदरवाइज थोड़े बहुत आपको बोरिंग जो सीन्स है, जो टाइम है, वो आपको छाट वट कर दिए हुए, तो काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग डाला गया। तो इसी के साथ दोस्तों रन टाइम जो कि डेफिनेटली इतने रन टाइम के साथ आप 2 घंटा 21 मिनट में जो कि इस फिल्म को देख पाओगे, यानी आप और हम इसी के साथ हम रन टाइम के साथ फिल्म को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बी अजनेस लोकंत सर की इस फिल्म में जो कि उनका म्यूजिक और साउंड ट्रैक एल्बम इस फिल्म में जो कि हम सभी को सुनने को मिलेगी, जहां पर कंपोजिंग उनका ही रहा, अदरवाइज बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म में उनका ही सुनने को मिलती है, सॉन्ग सुनने की मिलती है। यार दोस्तों अगर हम सभी साथी म्यूजिकल डिपार्टमेंट या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से कैसा रखा गया है, और आप सुन चुके हैं तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज अगर आप नहीं सुन चुके हैं तो सुनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेलिंग के साथ आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्या कौन से टाइटल के साथ रखा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां पर अजनेश लोकंत सर जो कि 2024 की ईयर में जो युवा फिल्म में आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग रहा, काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज 2024 में फिर एक जो वामना जो फिल्म आई थी उसमें भी उनका सॉन्ग लिया गया था, तो काफ़ी जो कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े सिंगर जो कि सिंगर्स के जो मतलब संभाले हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया है, तो उनका ही सुनने को मिलती है। अब दोस्तों सिंगल्स की बात की जाए तो वैसे तो मैं आपको बता दूं किस तरह से क्या रिलीज़ की गई थी, तो कोलेब्रेशन उनका ही साथ ही हुआ था। अब फर्स्ट सिंगल की टाइटल की बात की जाए तो उसके साथ सेतुपति सर की सेकेंड कोलेब्रेशन हुई थी, जहाँ पर समिनंत आफ्टर कुरंगू बम्बई जो फिल्म आई थी उसके बाद फोर्थ फिल्म जो उसके उनके साथ जो हुआ था कोलेब्रेशन जो कि कुरंगा बम्बई फिल्म 2017 में आई थी, फिर
रिची एंड जो कि नमीर 2018 में उस फिल्म में भी उनका रहा, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी फिल्म में इनके साथ कोलैबोरेशन हुई है। अब फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किए तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है उस सॉन्ग को सिद्ध सिरिम एंड सर ने मतलब राइट दिए हुए थे, यानी वायरमंतु सर ने भी उसको गाए हुए, जहाँ पर 7 जून 2024 की ईयर में रिलीज़ की गई थी। इसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल की बात किए तो राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की बात की जाए तो 15 जून 2024 के साल में रिलीज़ की गई थी, यानी इसी साल आफ्टर द फिल्म्स की रिलीजिंग सॉन्ग्स इसी तरह रिलीज़ की गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सभी जो तमिल सॉन्ग का मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तमिल सॉन्ग में ये सभी सॉन्ग सुनने को मिलती है, अदरवाइज अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, जंगली म्यूजिक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो इस तरह से जाके पूरी सॉन्ग्स को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं टाइटल लेंथ के साथ बात करूं तो तई तई जो सॉन्ग का टाइटल है, पहला सॉन्ग का टाइटल, उसको वायरमंतु सिद्ध सिरिम जो कि सिरिमम सर ने लिरिक्स दिए थे, यानी सिंगिंग किए थे सिरिमम सिद्ध सर ने। और लेंथ की बात की जाए तो 3 मिनट 8 सेकंड की लेंथ के साथ सॉन्ग को सुनने को मिलती है। वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल राजा पहिया उन्नो जो सॉन्ग का टाइटल है उसको वायरमंतु सर ने लिरिक्स दिए थे। अब सिंगर की बात किया तो जितिन राज आर्षिका देवनंत जो कि सिंगर ने गाए हुए, तो काफ़ी तीन सिंगर मिलकर तो समझ सकते कितने बड़े बड़े सिंगर को लिया गया था इस सॉन्ग को, जहाँ पर 4 मिनट 5 सेकंड के लेंथ के साथ आप सॉन्ग को भी इंजॉय कर पाओगे। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 7 मिनट 13 सेकंड के साथ आप पूरी सॉन्ग्स को इंजॉय कर सकते हो। इस तरह से अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, मतलब कौन से कंपनी के अंडर ये बनाई गई थी इस फिल्म को, तो द रोड थिंग्स स्टूडियोज पैसन स्टूडियोज के अंडर इस फिल्म को बनाई गई, जो कि बैनर के नीचे इस फिल्म को काफ़ी अच्छी खासी जो कि प्रोडक्शन कंपनी है। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो NVR सिनेमास के उनकी ओर से कंप्लीट करवाई गई डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की जाए, मतलब कौन से एक्टर एक्ट्रेस आर्टिस्ट किस रोल के साथ फिल्म में नजर आने वाला, उसी के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ किस नाम के साथ फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों विजय सेतुपति एज ए महाराजा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। यह बारवेर एंड ज्योतिष के अडेप्टर फादर रहते इस फिल्म में, उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप एज ए सेल्वम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर ज्योतिष के बायोलॉजिक फादर रहते इस फिल्म में, उसी रोल में आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं। ममता मोहनदास एज ए आसिफा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। नटराजन सुब्रमण्यम एज ए इंस्पेक्टर एस वर्धराजन का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभिरामी एज ए कोकिला श्री लक्ष्मी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। दिव्या भारती एज ए महाराज की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सिंगम पुली एज ए नल शिवम का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। अरुल दास एज ए SIRK पेरुमल स्वामी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मुनिस्कंत एज ए कॉन्स्टेबल कुचिकंदई वेलू का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। सचना नमिदास एज ए ज्योति का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर बेबी सिनिका एज ए बेबी ज्योति करके भी फिल्म में प्ले करते हुए उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। और विनोद सागर एज ए सबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर सेल्वम्स के असिस्टेंट रहते हैं इसी के साथ आपको रोल में फिल्म में नजर आएंगे। मनिका नंदन एज ए धाना का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। कलयन एज ए काउंसलर करुणकरण आपको उस रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे। कल्कि एज ए पुलिस या थीफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। PL तेनप्पन एज ए सलून ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सर्वाना सुबिया एज ए इंस्पेक्टर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। वेट्रीवेल राजा एज ए कॉन्स्टेबल धनपाल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। भारतीय राजा एज ए गोपाल तट्टा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मोहन रामन एज ए डॉक्टर अंकल का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पोवैयार एज ए सलून स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। लीजिया एंटोनी एज ए विक्टिमिंग ऑफ रोबरी का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पोस्टर नंद कुमार एज ए स्कूल कॉरेस्पेंडेंट का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। श्री राजा रवि एज ए आसिफास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। पिचकरण मूर्ति एज ए साइबर क्राइम स्टाफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। संगीता वी एज ए वर्धराजसन के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। सुपर गुड सुब्रमणि एज ए टॉय शॉप ओनर का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे। मल्लई आरसी एज ए टीप्स की वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल इसी के साथ जितने भी मैंने
आर्टिस्ट यानी कास्टिंग जिस रोल के साथ आपको मैंने बताई है इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों महाराजा फिल्म को वाजे थिएट्रिकली रिलीजिंग की बात की है तो 14 जून 2024 के यानी इसी साल थिएटर्स पर रिलीज की गई थी, जहां पर आफ्टर फ्रॉम इट इज ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज इट इज आल्सो डब्ड एंड रिलीजिंग की इन तेलुगु में भी की गई थी। प्रेसेस स्क्रीन पर वाजे हेल्ड टू डेज पे प्रोवेवर टू द रिलीजिंग 12 जून पर भी हुई थी। इट इज वाज इनिशियली प्लान की गई थी मेकर्स ने रिलीज इन ये मई के मंथ में 2024 की एयर में, बट वाजे लेटर वन ये सभी शिफ्ट की गई थी जून के मंथ में, जहां पर डू यू के अनसिपेक्टेड के रीजन के चलते द फिल्म्स की वाजे प्रीमियम की गई थी लॉस एंगल्स की ऑन 28 जून पर, जहां पर 2024 की एयर पर एज एसटी से वाज सेलेक्ट की गई थी एज वन ऑफ द क्लोजिंग नाइट सिलेक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर, जहां पर लॉस एंगल्स पर। तो इसी के साथ फिल्म को जो कि रिलीज की गई थी। साथ ही दोस्तों आप सभी जो फिल्म को देख पा रहे थे, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों जब महाराजा फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो मतलब पॉजिटिव भी रिव्यूज़ मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है फिल्म को रिव्यूज़ मिली है। तो दोस्तों फिल्म को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसी के साथ रोटेन टोमेटोज की तरफ से 54% इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया, जो कि काफ़ी एवरेज है, बढ़िया है। गूगल यूजर्स की बात की जाए तो 80% इस फिल्म को लाइक्स मिली हुई है ऑडियंस के हद से, इस हिसाब से फिल्म को पसंद की गई थी। अब साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट है बहुत ही कम बजट पर, लो बजट पर फिल्म को बनाई गई, जहाँ पर 20 करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई, जो कि डायरेक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए थे, मतलब जिस हिसाब से एक्टर था आर्टिस्ट था उसी हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगा के लगाई हुई है। अब वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 107 करोड़ रुपए में कमाई की, जो 107 करोड़ रुपए में कमाई की हुई है। सिर्फ सिनेमा थिएटर के लिए बात की जाए या फिर जिस हिसाब से नेट कलेक्शन की बात की जाए उसी हिसाब से फिल्म ने कमा करके दी है। तो दोस्तों इट इज़ हार्ड द हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड ऑन इमरजेंस एज द सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथिंग तमिल ऑफ 2024 की जो कि फिल्म बन चुकी है, एक विजय सेतुपति की एक सुपरहिट फिल्म बनने में कामयाब रही, इसी हिसाब से फिल्म को नाम मिली हुई है। तो अब समझ सकते हैं फिल्म तो अभी चल ही रही है, फिलहाल देखते हैं आगे जाके क्या कर पाती है, क्योंकि बहुत ही बड़े एक्टर को लिया गया, जो कि समझ सकते हैं साउथ इंडस्ट्री के एक्टर विजय सेतुपति और साथ ही कश्यप अनुराग, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो कुछ ना कुछ टक्कर देने में कामयाब रहेगी फिल्म। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ तक जो कि पहुँच पाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें, फिल्म के बारे में मैं अगर आपको थोड़े बहुत बात करूँ या फिर बताऊँ एक्टर एंड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जैसे कि विजय सेतुपति एक्टर आप समझ सकते हैं कितने बड़े एक्टर हैं, तो उनका इस फिल्म में लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने एक्टर जो इसमें एक्टिंग किए काफ़ी जो कि एकदम से एकदम लाजवाब किए हैं, जहां पर आपको पसंद आएगी उनकी एक्टिंग इस फिल्म में। जो वो एक सिंपल सा जो सलून मतलब चलाते उसमें उन्होंने जो एक पिता का जो रोल निभाए काफ़ी लाजवाब है, जो उनका पिता का जो जिस हिसाब से जो हद तक करना चाहिए, अगर उनके डॉटर को कोई नुकसान पहुंचाते तो वो किस हद तक जाना चाहिए वो सभी इसमें काफ़ी एकदम से एकदम करके दिए हुए, जहां पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज डायलॉग फाइटिंग सीन्स जिस हिसाब से किए हैं तो काफ़ी मुझे तो गुजबम के साथ पसंद आई। अदरवाइज इस फिल्म में वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, जहाँ पर थोड़ा सा आउट से लेकर नेक्स्ट लेवल तक करके दिखाए उनका, इसमें जो बात करने का डायलॉग जिस हिसाब से वो जो पूरा पावरफुल इग्नोर जो एंग्री मैन के साथ जिस हिसाब से डायलॉग्स मारते हैं, जहाँ पर वो मतलब एक चाकू लेके जिस हिसाब से कान में या फिर गर्दन में काट देते हैं, तो वो सीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डरावना लगेगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मुझे कहीं ना कहीं वो से भी थोड़े बहुत पसंद आई। अदरवाइज और भी जैसे एक्टर की बात की, अनुराग कश्यप इस फिल्म में पूरे फिल्म में वो छा गए, पूरी फिल्म में उनका ज़्यादा नाम चल रहा है, उन्होंने बॉलीवुड जैसे समझ सकते हैं बॉलीवुड के है डायरेक्टर भी है और एक्टर इस फिल्म में करके दिए, तो वो बोलना ही नहीं पड़ेगा। इसमें जो सेल्वम का जो रोल फिल्म में निभाए काफ़ी मुझे कहीं ना कहीं हद तक पसंद आई, उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं आपको सिंपल मैन के साथ नजर आएगी, बट वो जिस हिसाब से हर एक के साथ किस मतलब टाका बैठते किस हिसाब से वो टक्कर लेते वो सभी
इसमें वो विजय सेतुपति का जो रोल निभाया महाराजा का, उनके साथ जिससे वो टक्कर देने में कामयाब रहते हैं, तो उनका एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आएगी आपको। कहीं ना कहीं वो चलने का स्टाइल, डायलॉग स्टाइल, इसके साथ थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अलग लेवल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फिल्म की फर्स्ट हाफ मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि 5 से 10 मिनट, उसके बाद 15-20 मिनट के साथ आपको फिल्म कहीं ना कहीं एंगेजिंग रखेगी, वहीं पर बोरिंग थोड़े बहुत लग सकती है। बट सेकेंड हाफ के बाद इंटरवल में जो विजय सेतुपति असली रूप में आते हैं, जहाँ पर वो उनकी डॉटर के साथ वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, बट उनका लाइफ में कोई टॉर्चर कर देता है, उसके बाद वो असली मुद्दा पे आते हैं, फिर वो असली चेहरा उनके देखने के बाद आपको वो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगी किस हद तक वो करके किस मतलब लेवल तक गुजर जाते हैं, किस लेवल तक हद तक चले जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो हर एक विलन को मारने के लिए चुन चुन के मारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाफ में देखने में एंगेजिंग बना के रखेगी, कहीं ना कहीं वो सभी चीज़। अगर आप एक्शन थ्रिलर सस्पेंस के साथ फिल्म देखते हो तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत ढीले लगेगी, सेकेंड हाफ के बाद टाइट पूरी फिल्म बांधे रखती है। उसके बाद फिल्म की BGM थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर करनी पड़ेगी, उतनी खास नहीं है फिल्म के हिसाब से, ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर भी अव्वल लेवल तक देखने को मिलती है। सिनेमेटोग्राफिक जो शूटिंग के लेवल में जिस हिसाब से होना चाहिए था वो थोड़े बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा कर सकते थे। एक्शन सीक्वेंस तो आपको पूछना नहीं पड़ेगी, जब तक असली रूप में जब आते हैं विजय सेतुपति, वही ना वही आपको उनकी एक्शन सीक्वेंस पसंद आएगी। ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की डायरेक्शनल, जो उन्होंने एक सलून के ऊपर जिस तरह से वो एक डॉटर के साथ एक वाइफ के साथ लाइफ किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जीते हैं वो लाइफ बताई गई है। उसके बाद उनकी लाइफ में कोई टॉर्चर कर देते हैं, मतलब उनका लाइफ अच्छा खासा जी मतलब सिंपल लाइफ जीते हुए उनकी लाइफ में कोई मतलब घुस के उनकी लाइफ बिगाड़ देते हैं, पूरी परिवार बिगाड़ देते हैं, फिर वो उनकी परिवार जोड़ने में लगे रहते। तो उस भी डायरेक्टर का जो काम है अव्वल लेवल है, मुझे कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा करके दिए हुए, तो उनका काम मुझे कहीं ना कहीं पसंद आई। और स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आते, टाइट नहीं है उतना, फोटोग्राफी और थोड़ा बहुत चीज़ें जो शूटिंग लेवल में जहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं और मतलब कहीं ना कहीं उनका काम मेहनत रह सकता था, प्लॉट ठीक था, स्क्रीन उतना खास नहीं है, वो सभी ढीले नज़र आती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत टाइम लेती है। तो ये सभी चीज़ में अगर आप इग्नोर करोगे, अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म विजय सेतुपति की देखना चाहते हो, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो और उनकी फिल्म देखते हो सभी के सभी ओवरऑल, तो ये फिल्म भी आप ज़रूर वॉच करोगे मेरे ख्याल से, अगर आप उनकी डायहार्ड फैन हो तो, मुझे पता है। अदरवाइज नहीं है तो आप वन टाइम इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि OTT के नेटफ्लिक्स पर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन के साथ तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि तेलुगु डब्ड वर्जन, कन्नाडा डब्ड वर्जन, मलयालम डब्ड वर्जन एंड हिंदी डब्ड वर्जन में आप इस फिल्म को देख पाओगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, विदाउट सब्सक्रिप्शन आप फिल्म को देख नहीं पाएंगे, मतलब कि आपको फिल्म देखने के लिए रेंट पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म को फ्री में वॉच नहीं कर पाएंगे, आप अगर इस तरह से फिल्म को देखना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों तमिल लैंग्वेज की सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की जाए तो स्टार विजय सैटेलाइट राइट्स TV टेलीविजन के ऊपर प्रीमियम मुतवन नजर आएगा, जहां पर महाराजा नाम के साथ आप इस फिल्म को देख पाओगे। इस तरह से सैटेलाइट राइट्स में आप देख सकते हो, तमिल वर्जन की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन की दबाना होना मत भूलिए, नहीं तो फिल्म से जुड़ी साउथ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, जो भी जिस तरह से फिल्म से आपको एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, रिव्यू, जो भी जानकारी है आपको मिलने पाएगी, अगर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो आपको मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी, किस तरह से क्या रखा गया, किस तरह से क्या हुआ था, जो भी जानकारी आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आफ्टर दी सक्सेस फिल्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुरंगू बम्बई 2017 में जो फिल्म आई थी उसके सक्सेस के बाद नितिलन स्वामीनाथन सर जो कि डायरेक्टर साइन किए थे, जो सुधान सुंदरमंस के पैशन स्टूडियोज पे उसके अंदर ही फिल्म बनाई जाएगी, जहाँ पर डायरेक्ट जो दे नेक्स्ट डायरेक्शनल अंडर जो विच प्रोडक्शन पे हॉविंग द प्रोजेक्ट वाज ए डेवलपमेंट हिल फॉर सेल्वरर यूवर जो डू अननोन्स रीजन के चलते, जहाँ पर नितिलन देन नरेटेड द स्क्रिप्ट टू जी धनजान हु सजेस्टेड किए थे टू द डायरेक्टर दैट ही सोल्ड नरेटेड इट टू विजय एंटोनी विच
ही इड एंड इम्प्रेस हुए थे, जहां पर द एक्टर नितिलन ओवर एंड टू रिसीव ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम सुंदरस की प्रोडक्शन के चलते हाउस पर, जहां पर द फिल्म द कंपनी वॉज हावर नॉट इन द फेवर ऑफ पासिंग द प्रोजेक्ट टू अनदर हाउस दियर फॉर दी फॉर नॉट गिविंग द NOC सोन आफ्टर द कंपनी देन स्टेटेड दैट द वी होल्ड नारेटेड द स्क्रिप्ट टू विजय सेतुपति एंड इफ ये टेनिस बिगिंग पार्ट ऑफ द फिल्म द वी होल्ड पास द प्रोजेक्ट। सेतुपति हु वॉज इम्प्रेस हुए थे, जहाँ पर स्क्रिप्ट उनको जो सुनाई थी उसके बाद वो एग्री हुए थे बी पार्ट ऑफ द फिल्म की, लीडिंग टू हिम रिप्लेस उनकी जगह पर किए थे, जहाँ पर एंटोनी सुंदरस की जगह उनको लिया गया था। कंपनी मेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी, जहाँ पर 1 फरवरी के मंथ पे, जहाँ पर 2023 के ईयर में, जहाँ पर कन्फर्म हुई थी द प्रोजेक्ट विल्ड जो कि सिग्निफाई एज सेतुपति को जो 15th फिल्म्स आल्सो हुई कि जहाँ पर लीड एक्टर 2020 टाइटल जो कि VJS 15 प्रिंसिपल फोटोग्राफी वेगन शॉर्टली आफ्टर यह मुहूर्त पूजा फिल्म के लिए रखा गया था हेल्ड ये सेम डे पर ही आर्ट ये द फिल्म की स्टूडियो इन द चेन्नई विथ प्रेजेंस ऑफ द फिल्म्स की कास्ट ऑफ एंड क्रू जगदीश पलनस्वामी द रूट इन थिंक स्टूडियोज लेटर वन ज्वाइन किए थे एज ए को प्रोड्यूसर इन अर्ली अप्रैल के मंथ में, जहाँ पर सुंदरम स्टार्ट की गई थी द 50 of 85 फिल्मिंग डेज पर जो कि वेयर कंप्लीट हुई थी एंड ओनली देन डेज की बात के रिमाइंडिंग करके फॉर सेतुपति 1/12 के डेट पर, जहाँ पर जुलाई के मंथ में एडिक्शन टू द प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैपिंग करके द फिल्म की ऑफिशियल टाइटल महाराजा रखा गया था वॉज अनाउंसमेंट की गई थी बाय द प्रोडक्शन हाउस पर। इसी तरह बात हुई थी अनुराग कश्यप ममता मोहनदास एंड नटराजन सुब्रमण्यम वॉज अनाउंसमेंट की गई थी प्ले के जो इसी द लीड रोल पे नजर आएंगे एलोंग साइड सेतुपति दिव्या भारतीय अभिरमणि अरुल दास मुनिस्कंत मणिकानंदन सिंगम पुली भारती राजा विनोद सागर एंड PL तेनपल विल अपीयर में इन द सपोर्टिंग रोल्स पे। डबिंग वर्क्स वेयर कंप्लीट की गई थी जहाँ पर 31 की डेट पे दिसंबर के मंथ में 2023 के ईयर में। तो इसी तरह प्रोडक्शन की जितने भी बातें हैं, जो भी जितने भी जानकारी है बताई जा रही है। तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की जो भी बात है, जैसे बात जानकारी है, जो भी जितने भी जानकारी या फिर बात की जाए, तो उससे भी मतलब यहाँ पर मेकर्स ने अनहाइड करके रखे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च की हुई तो उसकी भी जानकारी मिल नहीं पाई है। अदरवाइज आगे देखते आने वाले समय पर उसकी भी कुछ होती है तो आपको जानकारी देने मतलब कोशिश करूँगा कि मिल पाए आपको। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह जो भी बातें हुई है। अब दोस्तों आखिर में फिल्म का प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो, कहानी कह लो, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा किस तरह से क्या रखा गया है, कौन सी प्लॉट के साथ। तो दोस्तों महाराजा एक शांत व्यक्ति है जो चेन्नई में जो कि रामा की सलून में नाई का रूप में काम करता है। एक दिन एक ट्रक उसके घर से टकरा गया जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी पति ज्योति तब बच जाती है जब एक पौधे ने कण गलती से गिर जाता है और उसे जो कि ढाक देता है। महाराजा और ज्योति श्रीनिवास को देने कन का नाम लक्ष्मी रखती हैं। तो कहानी में दोस्तों आगे यही बताई गई, एक सिंपल सा लाइफ जो एक सीधा साधा इंसान महाराजा लाइफ में जो कि वो फिल्म में दिखाया गया जीता है, मतलब विजय सेतुपति महाराजा का रोल निभाते, तो वो एक सिंपल सा सलून का मतलब लाइफ अच्छी खासी गुजारते हैं। बट एक दिन अचानक एक ट्रक उनके घर पे जो कि टकरा जाता है, उसके बाद पूरी लाइफ उनकी बदल जाती है एकदम से। वही फिल्म के बाद उसके बाद असली जो ट्विस्ट और टर्न है किस तरह से क्या आती है, वही फिल्म की कहानी पूरी बनाती है। तो आखिर तक वही आपको पता चलने वाली है किस तरह से क्या वो फिर महाराजा हर एक के साथ लड़ता है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वही फिल्म की देखने में आपको पता चलेगी।